नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। एक शानदार और रोमांचक मुकाबला आप सभी दोस्तों के सामने लेकर हाजिर हूं, जहां पर दोस्तों इस समय नीदरलैंड की टीम बैटिंग कर रही है, क्योंकि दोस्तों आज के इस मुकाबले में नीदरलैंड की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और इस समय दोस्तों नीदरलैंड की टीम का स्कोर हो चुका है 81 रन। जी हाँ, 81 रन हो चुका है नीदरलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवर की समाप्ति पर। बहुत ही शानदार और रोमांचक तरीके से मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तीसरी गेंद पर कोई भी रन नहीं, पहली गेंद पर डबल, दूसरी गेंद पर सिंगल और तीसरी गेंद पर कोई भी रन नहीं। 3 रनों के साथ नीदरलैंड का स्कोर 18.3 ओवर की समाप्ति पर 81 हो चुका है। लेकिन खास बात है, अभी तक दोस्तों 2 खिलाड़ी 2 विकेट आउट हो चुके हैं। चौथी गेंद लेकर जाते हुए सिकंदर रजा, बहुत ही होनहार खिलाड़ी, जबरदस्त मजबूत इरादों वाले ऑलराउंडर, जो कि चौथी गेंद पर कोई भी रन नहीं। पांचवी गेंद लेकर जाते हुए बॉलर सिकंदर रजा, क्या कुछ कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए। इस ओवर की अगली गेंद गैप पे खेला हुआ शॉट, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, दोनों बल्लेबाज भाग कर 1 रन पूरा करने में सफल रहे। सिंगल के साथ अब तक इस ओवर में 4 रन आ चुका है, जबकि 18.5 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड ने दोस्तों बनाए हैं 82 रन, बात करें तो 2 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट 4.35 का आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। नीदरलैंड दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। शुरुआत होने जा रही, एक और ओवर की शुरुआत होने जा रही यहां पर सर दोस्तों 20 ओवर की, क्या कुछ कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए दोस्तों, जहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी का नज़ारा आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज सामने है दोस्तों अकरम मान, जो कि 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेल रहे हैं दोस्तों। दोनों ही बल्लेबाज अभी दहाई का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए हैं, हालांकि दोस्तों गेंदे दोनों ही बल्लेबाज दहाई के आंकड़ों में खेल चुके हैं, डबल आंकड़ों में खेल चुके हैं। 11 गेंदे खेलते हुए दोनों बल्लेबाज नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत होने जा रही है, एक और ओवर की शुरुआत होने जा रही है यहाँ से दोस्तों 20 ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद सिकंदर रजा, 5 ओवर कराए हैं दोस्तों, 16 रन दिए, एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन क्या कुछ कर पाएंगे दोस्तों। मबूता आ चुके हैं नए गेंदबाज के रूप में, अपने को टेका पहला ओवर। पारी की बात करें तो दोस्तों 20वां ओवर लेकर आ चुके हैं, क्या कुछ कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए। दिनके की द्वारा दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजी का नज़ारा आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकता है, लेकिन कहां तक आज अपने स्कोरबोर्ड को ले जाने में सफल होंगे, सक्षम होंगे, ये तो दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा। नए गेंदबाज के रूप में मबूता तैयार हैं अपने कोटे के पहले ओवर की पहली गेंद। बारी की बात करें तो 20 ओवर की पहली गेंद लेकर जाते हुए मबूता अंपायर के बगल से राउंड द विकेट जाएंगे दोस्तों। अंपायर को इशारा कर रहे हैं कि हम राउंड द विकेट गेंदबाजी कराएंगे 20 ओवर की पहली गेंद पर। इस ओवर में 19 ओवर में 4 रन आए थे, उससे पहले 5 रन आए थे, लेकिन क्या 20 ओवर में एक बार फिर से अच्छा शॉट लगाने में सफल रहेंगे अग्रम मान या फिर दोस्तों अहमद। स्ट्राइक पर बने हुए अग्रम अगले गेंद को दोस्तों पहली गेंद को गैप में खेला हुआ शॉट, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, दोनों बल्लेबाज भाग कर 1 रन पूरा करने में सफल है। पहली गेंद पर सिंगल आ चुका है, सिंगल के साथ दोस्तों स्ट्राइक पर आ चुके हैं अहमद, क्या कुछ कर पाएंगे, जो कि 5 रन बनाकर खेलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं अहमद। शुरुआत हो चुकी है पहले ओवर की, मबूता अपने कोटे के पहले ओवर की बात करें तो दोस्तों पारी के 20 ओवर की पहली गेंद पर कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं दिए, सिर्फ सिंगल ही दिए, लेकिन दूसरी गेंद लेकर जाते हुए मबूता राउंड द विकेट जा रहे हैं। सो दोस्तों सामने अहमद तैयार, जो कि 5 रन बनाकर खेलते हुए 11 गेंदों की सामना कर चुके हैं, क्या कुछ कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए, क्या दोस्तों बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहेगी आज नीदरलैंड की टीम। दूसरी गेंद बैकफुट पे जाके कट कर दिया है, पॉइंट की तरफ जा रही गेंद, सिंगल कंप्लीट करने में सफल रहेंगे दोनों बल्लेबाज। सिंगल के साथ नीदरलैंड का स्कोर 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की समाप्ति पर। अब तक इस ओवर में 2 गेंदें हुई हैं और दोनों ही गेंदों पे सौभाग्य से वैक टू वैक लगातार सिंगल आया है, वैक टू वैक 2 लगातार सिंगल के साथ, बात करें तो स्कोर हो चुका है 84 रन। अगली गेंद बैक फुट पे जाके कट कर दिया, गेंद जा रही है दोस्तों थर्ड मैन के क्षेत्र में, सिंगल मिल जाएगा। एक और सिंगल के साथ नीदरलैंड 85 2 विकेट के नुकसान पर
19.3 ओवर की समाप्ति पर। जहां पर बात करें तो करंट रन रेट 4.36 का आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चौथी गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, गेंद के पीछे फील्डर मौजूद, रन लेने की किसी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं। एक और डॉट बॉल, इस ओवर में डॉट बॉल आ चुकी है चौथी। बात करें तो चौथी गेंद पर डॉट बॉल, फिलहाल पांचवी गेंद अपने कोटे के पहले ओवर की पांचवी गेंद लेकर जाते हुए कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अंत समय में दोस्तों गेंद की जड़ में जाकर वहीं पर पुश कर दिया, वहीं पर दबा दिया, जो रन लेने का चांस बनता रहा उसे दोस्तों समाप्त कर दिया। स्कोर अभी भी दोस्तों इस समय नीदरलैंड का 85। अंतिम गेंद अपने कोटे के पहले ओवर की अंतिम गेंद, ऑफ साइड ऑफ स्टंप की गेंद, कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट बॉल। ओवर समाप्त हुआ, इस ओवर में टोटल 3 रन आए, जबकि इससे प्रीवियस ओवर में बात करें तो टोटल दोस्तों 4 रन आए थे, बैक टू बैक 3 और 4 इस ओवर, जबकि उससे पहले 5 रन आए थे। असीम उप्रेती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। इस ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड ने बनाए हैं 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां पर दोस्तों अगर अच्छी लंबी पारी खेलनी है तो खास तौर पर दोस्तों एकरम मान को लंबी पारी खेलनी होगी, जो कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज अभी तक दोस्तों इनका उतना बेहतर प्रदर्शन, उतना रोमांचक प्रदर्शन नहीं देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों अभी तक सिर्फ ये बात करें तो 10 रन बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों आज उतनी अच्छी शुरुआत तो शुरुआत में पहले विकेट के लिए जरूर पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन उसके बाद में बैक टू बैक विकेट गिरते गए और इस समय दोस्तों 20 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड ने 85 रन बनाए हैं। एक और नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, पहली गेंद मारने का प्रयास लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में, जितना खूबसूरत शॉट उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग, जहां पर 4 रन इस गेंद पर मिलने चाहिए था, पहली गेंद पर दोस्तों जहां 4 रन मिलना चाहिए था वहां पर दोस्तों कोई भी रन नहीं ले पाए बल्लेबाज। फिलहाल दूसरी गेंद लेकर जाते हुए अपने कोटे के दूसरे ओवर की पहली गेंद जाकर दोस्तों यहां पर मारने का प्रयास, गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेते हुए गेंद जा रही थर्ड मैन की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दोनों बल्लेबाज भागकर 1 रन पूरा करने में सफल रहे। पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर दोस्तों सिंगल और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं एक बार फिर से अहमद मूसा अहमद, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, जो कि दोस्तों बात करें तो अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए हैं, 15 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, 40 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। आसिम उत्प्रेती जी बोल रहे हैं कि 261 प्लस क्या बना पाएगी आज नीदरलैंड की टीम, जिस तरीके से करंट रन रेट चल रहा है और विकेटों का सिलसिला, यहां पर अभी तक 2 ही विकेट हुए हैं तो चांसेस तो लग रहे हैं, लेकिन 50-50 का लग रहा है, लेकिन नीदरलैंड की टीम बहुत स्ट्रांग टीम है दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम के सामने दोस्तों, तो ऐसे में 261 बन सकता है। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद, इस ओवर की तीसरी गेंद, तीसरी गेंद पर दोस्तों घुमा के मारा स्क्वायर लेग की तरफ सिंगल, चौथी गेंद मारने का प्रयास, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, बाल बाल बीट किए दोस्तों, रन नहीं आएगा चौथी गेंद पर, पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर दोस्तों सिंगल, तीसरी गेंद पर सिंगल और चौथी गेंद पर कोई भी रन नहीं देखने को मिला अब तक इस ओवर में। पांचवी गेंद कलाइयों का इस्तेमाल किया, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दोनों बल्लेबाज भागकर 1 रन पूरा करने में सफल है। पहली गेंद पर दोस्तों सिंगल, कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद पर कोई भी रन नहीं, जबकि पांचवी गेंद पर एक और सिंगल। अंतिम गेंद दोस्तों सीधे मिड ऑफ के फील्डर के हाथ में, रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट बॉल। अंतिम गेंद पर दोस्तों कोई भी रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ, इस समय बात करें तो 21 ओवर की समाप्ति पर बनाए हैं दोस्तों नीदरलैंड ने 88 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है मोहन भाई का। बिल्कुल, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का। 21 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन बनाए हैं नीदरलैंड ने 2 विकेट के नुकसान के बाद। जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के बीच में ये तीसरा और अंतिम ओडीआई मैच, पहला मुकाबला खेला जीता नीदरलैंड ने, उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों आज के जो मुकाबले के अंदर देखा जाए तो फिलहाल क्या होगा, दूसरा मुकाबला जिम्बाब्वे जीत गया था दोस्तों 1 रन से, लेकिन अब ये मुकाबला दोस्तों फाइनल मुकाबला होगा आज का, और जो जीतेगा दोस्तों वो आज के मुकाबले में जीतेगा, श्रृंखला पर कर लेगा कब्जा। जी आपने सही सुना है, जो जीतेगा आज का होगा सिकंदर, इस मैच का, इस का कब्जा कर लेगा दोस्तों। चलिए फिलहाल अब यहां पर 21 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 21 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर टीम का हो चुका है नीदरलैंड का 88 रन, फिलहाल 2 विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद इस ओवर की, फिलहाल 22वें ओवर की पहली गेंद को लेकर तैयार बैसले मधवेरे आ चुके हैं और 2 ओवर में मधवेरे ने अभी तक 16 रन दिए हैं। फिलहाल 22वां ओवर, देखते हैं कौन सी गेंदबाज लेकर आएंगे दोस्तों। 22वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है जहां पर मबूता है
गेंदबाजी करने के लिए। मबूता की पहली गेंद पर इस बार एक सिंगल चुरा लिया है और सिंगल के साथ ही इसको टीम का हो चुका है 89 रन्स दो विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। इसी के साथ ही अगली गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज फिर से इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार मबूता की अगली गेंद। बढ़िया गेंद थी इस बार, अंदर की तरफ आई, रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी टीम नीदरलैंड का 89 हो चुका है दो विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों एक शानदार और एक बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। नीदरलैंड की टीम की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड की टीम ने अभी तक फिलहाल देखा जाए 89 रन बना लिए हैं दो विकेट के नुकसान के बाद। 21.3 ओवर की दोस्तों समाप्ति हो चुकी है। जी हाँ, 21.3 ओवर की समाप्ति के बाद इसको टीम का 89 हो गया है। चौथी गेंद लेकर तैयार फिर से गेंदबाज जाते हुए इस ओवर की चौथी गेंद सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज अगली गेंद का। अहमद ने इस गेंद को ड्राइव किया लेकिन फिलहाल रन लेने का दोस्तों कोई भी मौका नहीं है। स्कोर अभी भी नीदरलैंड का रुका हुआ है 89 रन्स दोस्तों दो विकेट के नुकसान के बाद। ये 22वां ओवर दोस्तों फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। अगली गेंद फिलहाल चार गेंदें हो चुकी है इस ओवर में, एक रन आया है फिलहाल इस मुकाबले के अंदर। अगर बात करें मात्र अभी तक दोस्तों एक रन इस मुकाबले के अंदर इस ओवर में आया है। पांचवीं गेंद को लेकर तैयार है मबूता जा रहे हैं, सामना करेंगे मबूता के अगली गेंद का अहमद। अहमद जो कि टीम के लिए 20 गेंदों में अभी तक दोस्तों 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। और वहीं पर देखा जाए तो इस ओवर की अगली गेंद इस बार पांचवीं गेंद को कट कर दिया है दोस्तों और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शॉट इस बार देखने को मिला है मबूता के गेंद पर। अहमद ने शानदार चौका लगा दिया है दोस्तों। चौके के साथ ही ओवर की अब आखिरी गेंद का फिर से सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज अहमद। कमाल का मुकाबला और एक बेहतरीन मुकाबला दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अंतिम गेंद लेकर तैयार आखिरी गेंद मबूता की सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज सूर्य की अंतिम गेंद का। और 22 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे हैं और टीम का स्कोर हो चुका है फिलहाल 93 दो विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों फिलहाल 93/2 22 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अकरम ने अभी तक 18 गेंदों में 13 रन जो दोस्तों अभी तक फिलहाल आज के मुकाबले के अंदर बना लिए हैं और अहमद ने 22 गेंदों में 11 रन बनाते हुए दोस्तों नजर आए हैं। फिलहाल इसी के साथ ही अगली गेंद को लेकर तैयार फिर से गेंदबाज जाते हुए और मुकाबले के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों तो मैच बहुत ही शानदार और एक रोमांचक तरीके से दोस्तों में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 22 ओवर की समाप्ति के बाद इसको टीम का हो चुका है टीम नीदरलैंड का 93 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों 22 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। ये तीसरा और अंतिम ओडीआई मुकाबला नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में खेला जा रहा है जहां पर फिलहाल 22 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और नीदरलैंड की टीम ने दोस्तों 93 रन बना लिए हैं दो विकेट के नुकसान के बाद। अक्रमण 18 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। 23 ओवर की पहली गेंद को लेकर तैयार फिर से गेंदबाज लेकर जाते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज अगली गेंद का आक्रमण। 19 गेंदों में 13 रन बनाकर खेलते हुए इस ओवर की पहली गेंद, बढ़िया गेंद थी इस बार दोस्तों, शानदार गेंद अंदर की तरफ आई, फिलहाल कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। इस ओवर की दूसरी गेंद को हल्के हाथों से इस बार पंच कर दिया है, इस बार सिंगल चुरा लेंगे और सिंगल के साथ ही इसको टीम का हो चुका है दोस्तों बढ़ता हुआ फिलहाल 94 नीदरलैंड का दो विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों आज के मुकाबले में 22.2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। नीदरलैंड की टीम इस मुकाबले के अंदर फिलहाल 94 रन बना चुकी है और अगर हम बात करें दो विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज आते हुए और 23वें ओवर की अगली गेंद का सामना करके तैयार हैं बल्लेबाज अहमद जिन्होंने 22 गेंदों में 11 रनों की पारी खेली है। टीम का स्कोर हो चुका है नीदरलैंड का 94 रन। फिलहाल इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर तैयार फिर से मधुबेरे जाते हुए, मधुबेरे का यह तीसरा ओवर इस बार, इस गेंद को कट कर दिया, गेंद जारी बैक पर पॉइंट की तरफ, फील्डर पीछे भागते हुए एक रन पूरा किया, गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे फील्डर, जब तक दो रन पूरे कर लेंगे बल्लेबाज। जी हाँ दोस्तों, दूसरा रन भी पूरा कर लिया और दोस्तों मैं आपको बता दूं मिस फील्ड होता हुआ गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई दोस्तों 4 रनों के लिए। जी हाँ, डाइव लगाई, ऐसा लगा कि थ्रो मार रहे हैं लेकिन उतने में ही दोस्तों उनकी गेंद हाथ से फिसलती हुई चली गई बाउंड्री के बाहर और मिल जाएगा दोस्तों चौका। नीदरलैंड को मिल गया एक और चौका, मुफ्त में मिल चुका है चौका दोस्तों। फिलहाल पांचवीं गेंद इस बार अच्छी गेंद, रन नहीं मिलेगा दोस्तों। स्कोर अभी भी नीदरलैंड का 98 हो चुका है दो विकेट के नुकसान के बाद। इस मुकाबले के अंदर अगर हम बात करें तो नीदरलैंड की टीम ने अभी तक बना लिया 98 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद 23वें ओवर की फिलहाल पांचवीं गेंद, बढ़िया गेंद इस बार दोस्तों, अंदर आती गेंद को खेला, रन लेने का फिलहाल इस बार कोई मौका नहीं। ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार फिर से गेंदबाज जाते हुए आखिरी गेंद को लेकर जा रहे हैं और सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज अगली गेंद का अहमद जिन्होंने 25 गेंदों में अभी तक फिलहाल 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की अंतिम गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी दोस्तों, इस बार रन नहीं मिलेगा। ओवर की हुई समाप्ति,
और 23 ओवर की समाप्ति के बाद नीदरलैंड का स्कोर हो चुका है 98 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों 23 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के बीच में खेला जा रहा है ये तीसरा एक दिवसीय मुकाबला, जहां पर नीदरलैंड की टीम ने दोस्तों आज के मुकाबले में फिलहाल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और 98 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद 23 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 23 ओवर्स की समाप्ति हो चुकी है, नीदरलैंड ने बनाए 98 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक आध विकेट अगर और गवा देती है यहां पर नीदरलैंड की टीम तो थोड़ा सा मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों को, दोनों टीमों में से दोनों टीमों ने अभी तक पिछले एक एक मुकाबले जीत लिए हैं भैया। जी आपने सही सुना है, पिछले दोनों मुकाबले नीदरलैंड और जिम्बाब्वे की तरफ से एक एक मुकाबले दोस्तों हमें देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होगा, किस तरीके से मुकाबला आगे देखने को मिलता हुआ दोस्तों नजर आने वाला है। फिलहाल इसी के साथ ही अब शुरुआत होने जा रही है अगले ओवर की, और अब 24वें ओवर की पहली गेंद मबूता की राउंड द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, ड्राइव कर दिया है और इस बार गेंद जा रही है दोस्तों एक्स्ट्रा कवर की तरफ। एक रन आसानी के साथ पूरा किया, शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर मौजूद थे लेकिन एक रन के साथ स्कोर हो गया टीम नीदरलैंड का 99 2 विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों 23.1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज फिर से इस ओवर की चौथी गेंद तीसरी गेंद को लेकर तैयार मबूता जाते हुए सामना कर रहे हैं अहमद। 27 गेंदों में अहमद ने बनाए हैं 15 रन, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इसको टीम का हो चुका है 99 2 विकेट के नुकसान के बाद। फिलहाल अगली गेंद इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज फिर से जाते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज अहमद। इस बार गेंद को कट करने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का दोस्तों संपर्क हुआ नहीं और गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। दोस्तों फिलहाल अगली गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज चौथी गेंद लेकर तैयार है मबूता, सामना कर रहे हैं अहमद। अहमद अभी तक देखा जाए दोस्तों तो कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल सोच समझ कर बल्लेबाजी कर रहे हैं 28 पर 15 रन बना के। चौथी गेंद मबूता की, इस बार बढ़िया गेंद, एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे और एक रन के साथ ही इसको नीदरलैंड का 100 हो गया भैया। जी हाँ दोस्त, शतक हो गया टीम का, शतक हो गया दोस्तों टीम का। और ये शतक दोस्तों फिलहाल क्या आगे तक जा पाएगा, कितना आगे जा पाएगा दोस्तों ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन शतक दोस्तों हो चुका है टीम नीदरलैंड का। 2 विकेट के नुकसान के बाद नीदरलैंड ने अपना जो है दोस्तों 100 रन पूरे कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया मुकाबला और एक शानदार मुकाबला अभी तक हमें दोस्तों देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से नीदरलैंड की टीम ने 2 विकेट भले ही गंवाए हैं लेकिन रन अच्छे खासे बनाए हैं, और अगर 250 से ऊपर का स्कोर बना लेती है नीदरलैंड की टीम तो एक बढ़िया मुकाबला दोस्तों हमें देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है अगर हम बात करें इस मुकाबले के अंदर। फिलहाल चलिए देखते क्या हुआ, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस मुकाबले के अंदर। अगली गेंद लेकर तैयार, फिलहाल इस ओवर की 5वीं गेंद कट कर दिया है एक और सिंगल के लिए, सिंगल के साथ स्कोर हो गया 101 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों 24वां ओवर चल रहा है और 24वें ओवर की फिलहाल 5वीं गेंद पर एक बार फिर से सिंगल चुरा लिया है। अंदर आती गेंद इस ओवर की, अगली गेंद को फिलहाल ड्राइव किया है और गेंद दोस्तों चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्या चौका लगाया है, बहुत बढ़िया चौका, कमाल का चौका दोस्तों देखने को मिलता हुआ, गेंद दंदनाते हुए चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और इसी चौके के साथ इसको टीम का हो चुका है नीदरलैंड का 105 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। 24 ओवर की समाप्ति हो चुकी है दोस्तों, 24 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 24 ओवर्स गोन 105 for 2 नीदरलैंड वन द टॉस एंड लक टू बैट फर्स्ट रे। फिलहाल इसी के साथ ही 24 ओवर की समाप्ति के बाद नीदरलैंड ने बनाए हैं 105 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये 25वां अब ओवर आने वाला है, अब यहां पर देखा जाए दोस्तों तो नीदरलैंड की टीम कम से कम 200 से ऊपर का स्कोर बनाने का प्रयास करेगी, लगभग 250 रन अगर बना लेती है नीदरलैंड की टीम तो एक बहुत ही शानदार और एक अच्छा मुकाबला हमें दोस्तों देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। मबूता अब यहां पर 3 ओवर 15 रन कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। उसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों आज के मुकाबले में अक्रमैन ने 22 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली है अभी तक, बढ़िया बल्लेबाजी करके दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार स्वर की दूसरी गेंद मबूता की, फिलहाल अगली गेंद दोस्तों मधवीर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। मधवीर की अगली गेंद इस बार सामना कर रहे हैं अक्रमैन, जिन्होंने 23 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली है। नीदरलैंड का स्कोर हो चुका है दोस्तों 105 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। 25वें ओवर की अब दूसरी गेंद को लेकर तैयार फिर से मधुवीर जाते हुए सामना कर रहे हैं अक्रमैन, जिन्होंने 23 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से ईश्वर की दूसरी गेंद, 10 ले मधवेरे दौड़ते हुए जा रहे हैं ईश्वर की अगली गेंद का सामना करते, इस बार ड्राइव किया है लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग इस बार देखने को मिली है दोस्तों। टीम का स्कोर अभी भी 105 रन हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के बाद। 24.2 ओवर का खेल दोस्तों पूरा हो चुका है और 24वां ओवर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता हुआ अभी नजर आया है। फिलहाल 24.2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 25वें ओवर की अगली गेंद तीसरी गेंद को लेकर तैयार फिर से मधवेरे जाते हुए सामना करेंगे अक्रमैन, 24 गेंदों में अक्रमैन ने 16 रन बनाए हैं
अगली गेंद पर इस बार हल्के हाथों से इस गेंद को पुश कर दिया है सिंगल के लिए, और सिंगल के साथ इसको टीम का हो चुका है 106 दो विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं। अगली गेंद लेकर तैयार पांचवीं गेंद ईश्वर की फ्लैट फिर से लेकर तैयार हैं बैसले मदवेरे, सामना कर रहे हैं अहमद। 31 गेंदों में अहमद ने अभी तक दोस्तों 20 रनों की पारी खेली है और टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों 106 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से गेंदबाज जाते हुए ईश्वर की पांचवीं गेंद, सामना कर रहे हैं बल्लेबाज अहमद। अहमद जिन्होंने अभी तक फिलहाल देखा जाए 20 रनों की पारी खेली है और 30 गेंदों का उन्होंने दोस्तों सामना किया है और टीम का स्कोर हो चुका है इसी के साथ ही नीदरलैंड का 105 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद बैसले मदवेरे अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार हैं, सामना कर रहे हैं अगली गेंद का बल्लेबाज। देखते हैं दोस्तों किस तरीके से मुकाबला आगे लेकर जाते हुए नजर आने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आप सभी लोगों के लिए। फिलहाल इसी के साथ ही अगली गेंद ईश्वर की लेकर तैयार, अंतिम गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज एक्टरमैन जिन्होंने 25 गेंदों में अभी तक 217 रन की पारी खेल चुके हैं। टीम का स्कोर नीदरलैंड का हो चुका है 107 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। 225वां ओवर 200 चलता हुआ नजर आ रहा है आज के इस मुकाबले के अंदर। फिलहाल इसी के साथ ईश्वर की अंतिम गेंद मधुवेरे लेकर तैयार हैं, सामना कर रहे हैं अगली गेंद का अक्रमेन। 25 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं दोस्तों, टीम का स्कोर 107 हो चुका है दो विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों इस ओवर की अंतिम गेंद को लेकर तैयार फिर से मधुवेरे जाते हुए आखिरी गेंद सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद पर इस बार इस गेंद को कट कर दिया है दोस्तों, इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है, गेंद जब तक फील्ड होती है एक रन दोस्तों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। या दोस्तों आपने सही सुना है, एक रन बल्लेबाजों ने दोस्तों पूरा कर लिया है और इसी के साथ इसको टीम का हो चुका है फिलहाल अगर हम बात करें 108 रन और दो विकेट के नुकसान के बाद 25 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दोस्तों 25 ओवर की समाप्ति के बाद फिलहाल नीदरलैंड का स्कोर है 108 रन और दो विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले जो 25 ओवर का खेल है वहां पर नीदरलैंड की टीम दोस्तों कितना स्कोर बना पाएगी, किस तरीके से आगे चल पाएगी, ये तो दोस्तों देखने वाली बात हो सकती है। फिलहाल आप सभी लोगों को बता दें कि टॉस जीता था नीदरलैंड ने, पहले बल्लेबाजी करने का आज फैसला लिया और टॉस जीता है आज नीदरलैंड की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए नजर आई है। फिलहाल ईश्वर की अब अगली गेंद 26वें ओवर की पहली गेंद को लेकर तैयार, गेंदबाज जाते हुए सामना करेंगे अक्रमेन। 26 गेंदों में अक्रमेन ने 18 रन बनाए हैं और नीदरलैंड का स्कोर हो चुका है 108 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों आप सभी को बता दें इसी के साथ ही अगली गेंद 26वें ओवर की दूसरी गेंद को इस बार कट कर दिया है, गेंद जा रही है इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, फील्डर पीछे मौजूद थे और जब तक दोस्तों गेंद को फील्ड कर लेंगे बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया है। एक रन के साथ ही नीदरलैंड का स्कोर 109 हो गया है। दोस्तों दो विकेट के नुकसान के बाद नीदरलैंड ने बनाए 109 रन और दो विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद तीसरी गेंद को लेकर तैयार, गेंदबाज फिर से जाते हुए बबूता, सामने कर रहे हैं ईश्वर की तीसरी गेंद का बल्लेबाज। अगली गेंद अहमद के लिए, अहमद ने हल्के हाथों से इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा आसानी के साथ बल्लेबाजों ने एक रन और पूरा कर लिया है और इसी एक रन के साथ ही स्कोर हो गया है टीम का नीदरलैंड का 110 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। 25.3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, बहुत ही शानदार और एक बेहतरीन शुरुआत अभी तक फिलहाल देखने को मिल रही है नीदरलैंड की तरफ से, लेकिन देखते हैं कि नीदरलैंड की टीम किस तरीके से मैच को आगे लेकर जाएगी। अगली गेंद ईश्वर की लेकर तैयार फिर से गेंदबाज जाते हुए, फिलहाल चौथी गेंद बबूता की राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी इस बार, बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार रन लेने का कोई भी मौका नहीं है और स्कोर अभी भी रुका हुआ है नीदरलैंड का 110 दो विकेट के नुकसान के बाद। 25.4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए इस मुकाबले के अंदर। फिलहाल इसी के साथ ही ईश्वर की पांचवीं गेंद को लेकर तैयार मबूता, सामना कर रहे हैं अक्रमेन। 29 गेंदों में अक्रमेन ने बनाए 19 रन, स्कोर हो चुका है नीदरलैंड का 110 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। पांचवीं गेंद लेकर तैयार, गेंदबाज जाते हुए फिलहाल अंतिम गेंद, इस ओवर की पांचवीं गेंद पर कोई रन नहीं दोस्तों, स्कोर अभी भी टीम का नीदरलैंड का है 110 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। 26वां ओवर चल रहा है भैया, 26वां ओवर चल रहा है, अंतिम गेंद पर नहीं मिलेगा कोई रन, ओवर की हुई है समाप्ति। 26 ओवर की समाप्ति के बाद नीदरलैंड का स्कोर हो चुका है 110 रन दोस्तों दो विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों जी हां, 110 रन बनाए हैं नीदरलैंड ने दो विकेट के नुकसान के बाद। 26 ओवर की हुई है दोस्तों समाप्ति, बहुत ही रोमांचक मुकाबला और एक बेहतरीन मुकाबला हमें दोस्तों देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है इस मैच के अंदर। फिलहाल अब देखते हैं किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे दोनों बल्लेबाज, अटैकिंग बल्लेबाजी करेंगे। 24 ओवर का खेल अभी भी बाकी है दोस्तों और इन 24 ओवर में देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैच आगे चलने वाला है। दोस्तों 24 ओवर का खेल अभी दोस्तों बाकी है,
24 ओवर का खेल अभी बाकी है। फिलहाल 27वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है दोस्तों। 27वें ओवर की अगली गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज जाते हुए सामना कर रहे हैं अहमद। अहमद जो कि टीम के बहुत ही शानदार खिलाड़ी और बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों करते हुए नजर आ सकते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज आते हुए सामना करने के लिए तैयार है दोस्तों बल्लेबाज अहमद। इस ओवर की पहली गेंद दोस्तों स्कोर टीम का नीदरलैंड का 110 हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन भाई। अब यहां से सिर्फ 24 ओवर का शेष खेल बचा है और बॉलिंग के लिए दोस्तों आ चुके हैं अपने कोटे के। बात करें तो दोस्तों 5वीं ओवर की पहली गेंद लेकर आ चुके हैं मबूता। सामने बल्लेबाज तैयार हैं दोस्तों अहमद। पहली ही गेंद गेम को खेला स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक गेंद को फील किया जाता दोनों बल्लेबाज भाग कर एक रन पूरा करने में सफल रहे। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ बात करें तो 111 ट्रिपल वन पहुंच चुका है दोस्तों नीदरलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। जहां पर बात करें तो करंट रन रेट 4.24 का आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है दोस्तों आज के इस रोमांचक मुकाबले में क्या कुछ कर पाएगी टीम नीदरलैंड की टीम। दूसरी गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप की गेंद मारने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर से तीसरी गेंद अंपायर के बगल से वासले मध्य भरे लेकर जाते हुए कट कर दिया है दोस्तों डीप पॉइंट की तरफ जा रही है गेंद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दोनों बल्लेबाज भागकर एक और रन पूरा करने में सफल है। बैक टू बैक 3 लगातार गेंदों पे दोस्तों 2 रन आ चुका है। जहां पर पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर कोई भी रन नहीं। प्रिया गुप्ता, मूसा कौन है, कहाँ से आया है? अच्छा प्रिया जी कह रही मूसा कौन है। हमारे साथ बन्ना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल चौथी गेंद पर एक और सिंगल, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर कोई भी रन नहीं। उसके बाद बैक टू बैक 2 लगातार सिंगल आ चुका है। स्कोर अभी भी दोस्तों 113 बना है 2 विकेट के नुकसान पर 26.4 ओवर की समाप्ति पर। जहां पर बात करें तो करंट रन रेट 4.24 का नजर आता हुआ दिखाई दे रहा। अब तक किस ओवर में 4 गेंदों पे 3 रन आ चुके हैं। वासले मधेबेरे अपने कोटे के 5वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार हैं। अंपायर के बगल से राउंड द विकेट और पटकी हुई शॉट पे तिखी बाउंस डक कर दिया है दोस्तों। जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, रन नहीं मिलेगा दोस्तों। एक और डॉट बॉल, डॉट बॉल का दोस्तों सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहिएगा दोस्तों। इस ओवर में 4 रन, इसे प्रीवियस ओवर में दोस्तों 2 रन, जबकि 5 रन इस ओवर में दोस्तों 5 गेंदों पर दोस्तों बात करें तो 4 रन आ चुका है। यानी कि अभी तक इस ओवर में 80 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी का नजारा आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ होगा दोस्तों आज के इस बेहतरीन मुकाबले में। अहमद जो कि 24 पर, वहीं अकरम मान दोस्तों खेल रहे 21 रन पर। फिलहाल अंतिम गेंद पर दोस्तों कोई भी रन नहीं आया। ओवर समाप्त हुआ इस ओवर में 4, इससे प्रीवियस ओवर में सिर्फ 2 रन देखने को मिले। 27 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड बनाए हैं 114 और अब यहां से दोस्तों सिर्फ 23 ओवर का शेष खेल बचा है। जबकि पार्टनरशिप की बात करें तो दोस्तों नीदरलैंड की टीम ने दोस्तों तीसरे विकेट के लिए अभी तक 64 गेंदों में 45 रनों की पार्टनरशिप करने में सफल रही। कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छी पार्टनरशिप हुई है, अच्छी बल्लेबाजी का नजारा अब तक इस ओवर में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या बचे हुए 23 ओवर में यहां पर दोस्तों, क्योंकि 23 ओवर का शेष खेल बचा हुआ है, बचे हुए 23 ओवर में किस तरीके का बल्लेबाजी हो गई। नए गेंदबाज के रूप में एक बार फिर से गेंदबाजी कराने के लिए आ चुके हैं और पहली गेंद 28वें ओवर की पहली गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज सामने है दोस्तों अहमद। क्या कुछ कर पाएंगे और पहली गेंद खींच के मारा है दोस्तों तमाचा गेंद जा रही 4 रनों के लिए। डीप पेशा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ अहमद 24 पर, यहां पर अकरम मान 25 पर, जबकि दोस्तों 24 पर बने हुए हैं अहमद। पहली गेंद पर 4 रनों के साथ जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला। 27.1 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड का स्कोर हो चुका है दोस्तों 118 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार रोमांचक तरीके से बल्लेबाजी आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा। फिलहाल इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज मबूता, क्या कुछ कर पाएंगे दोस्तों। अभी तक विकेट नहीं मिला। इस ओवर की अगली गेंद कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गैप में खेला, सिंगल कंप्लीट किया, दूसरे रन के लिए भाग रहे और दूसरा रन भी दोस्तों इजीली कंप्लीट कर लेंगे। मबूता जो कि राइट आर्म लेफ्ट ब्रेक गेंद है दोस्तों, बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज दोस्तों बहुत बुरी तरीके से पीटे जा रहे हैं, विकेटों से खाता नहीं खुल पाया। अकरम मान स्ट्राइक पर आ चुके हैं, 27 रन बनाकर खेल रहे हैं अकरम मान। क्या कुछ कर पाएंगे कॉलिन अकरम मान राइट हैंडेड बल्लेबाज। तीसरी गेंद पर जो कि अभी तक 2 गेंदों पे 6 रन आ चुके हैं दोस्तों, 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद मबूता लेकर तैयार। मूसा का नाम कहां से आ रहा, क्योंकि हमारे साथ में प्रिया जी जुड़ चुकी हैं, बार बार मूसा कह रही, तो यहां से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही मूसा के नाम को लेकर। फिलहाल तीसरी गेंद पर दोस्तों गैप में खेला है दोस्तों,
मिड ऑफ के बगल से निकाल दिया जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। दोनों बल्लेबाज भागकर एक रन पूरा करने में सफल है। फिलहाल सिंगल के साथ अब तक इस ओवर में 3 गेंदों पे 7 रन आ चुके हैं। मूसा कहां से आया है बताइए? मूसा तो मुझे नहीं मालूम कि मूसा कौन है। फिलहाल दोस्तों बात करें तो 3 गेंदों पे 7 रन आ चुका है। फिलहाल 27.3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 121। अगली गेंद कट कर दिया है, एक और सिंगल। बैक टू बैक दोस्तों हर एक गेंद पर रन आया। पहली गेंद पर 4, उसके बाद डबल, उसके बाद सिंगल, उसके बाद एक और सिंगल। अब तक इस ओवर में 4 गेंदों पे 8 रन आ चुका है। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला। अपने कोटे के 5 ओवर की 5 गेंद लेकर तैयार, अपने कोटे के 5 ओवर की 2nd लास्ट बॉल लेकर तैयार मबूदा। सामने बल्लेबाज तैयार है अकनम्मान, क्या कुछ कर पाएंगे जो कि राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं। गैप में खेला हुआ शॉट जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, दोनों बल्लेबाज भागकर एक और रन अपने नाम करने में सफल है। एक और रन दोस्तों पार्टनरशिप में करते हुए देखने को मिले, जबकि सिंगल के साथ नीदरलैंड 123 दो विकेट के नुकसान पर 27.5 ओवर की समाप्ति पर, जहां पर करंट रन रेट को धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज बढ़ाते हुए नजर आ रहे। 4.42 का करंट रन रेट देखने को मिला। अपने कोटे के 5 ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार मबूता, राउंड द विकेट जा रहे हैं। सामने दोस्तों अहमद क्या कुछ कर पाएंगे। इस ओवर की अगली गेंद लग स्टंप पर रखी हुई गेंद बहुत तेजी से टर्न होती हुई ऑफ स्टंप की तरफ आई। कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, दोनों बल्लेबाज भागकर एक रन पूरा करने में सफल है। इस ओवर में 10 रन आए, बहुत ही महंगा ओवर रहा मबूता का। 250 की स्ट्राइक रेट से इस ओवर में बल्लेबाजी हुई। इस ओवर में 10 रनों के साथ नीदरलैंड 124 हो चुका है नीदरलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश के वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय मिश्रा जी कह रहे हैं गुड कमेंट्री भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होने जा रही, शुरुआत होने जा रही 29th ओवर की, और पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। पहली गेंद का दोस्तों बहुत ही चालाकी और चतुर तरीके से शिकार करने के लिए तैयार है अहमद। क्या कुछ कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए, जो कि अभी तक 36 रन जोड़ चुके हैं दोस्तों। 36 रन देखने को मिलता हुआ आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही, 29th ओवर की शुरुआत होने जा रही। मूसा का स्कोर कार्ड 25 रन है। लीजिए जवाब मिल चुका है मूसा अहमद। प्रिया जी आपको जवाब आई थिंक मिल गया होगा हमारे भाई असीम उत्प्रेती जी द्वारा। फिलहाल शुरुआत होने जा रही है, सीन विलियम्स आ चुके हैं। अपने कोटे का पहला ओवर पारी की बात करें तो दोस्तों 29th ओवर लेकर आ चुके हैं। पहली गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज सीन विलियम्स, सामने तैयार है अहमद। क्या कुछ कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए, जो कि बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी अभी तक करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। मूसा अहमद, मूसा प्लस अहमद इक्वल टू मूसा अहमद। पहली गेंद विलियम्स तैयार है। सीन विलियम्स के थोड़े दोस्तों बारे में बात कर लेते हैं। सीन विलियम्स 148 मैचों का एक्सपीरियंस, सिर्फ 21 विकेट ले पाए हैं। इकोनॉमी इनकी 3.23 की रहती है। वेस्ट की बात करें तो दोस्तों 20 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम करने में सफल है। पहली गेंद ऑफसाइड ऑफ सिस्टम की गेंद पाई गई, मारने का प्रयास जरूर किया लेकिन अंत समय में छोड़ दिया। दूसरी गेंद को गैप में खेला हुआ शॉट कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में निकाल दिया है जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, एक और सिंगल आ चुका। पहला रन इस ओवर में आ चुका है जहां पर पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिंगल। स्कोर बढ़ता हुआ बात करें तो दोस्तों 125 लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स इन 28.20 ओवर। पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिंगल। फिलहाल तीसरी गेंद लेकर जाते हुए अपने कोटे के पहले ओवर की सीन विलियम, अंपायर के बगल से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जा रहे हैं। सामने तैयार है दोस्तों अकरम मान, जो कि इस ओवर में पहली बार बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर बैटिंग एंड पर आ चुके हैं। क्या कुछ कर पाएंगे दोस्तों अकरम मान, जो कि 29 रन बनाकर खेले हैं 38 गेंदों पे। अभी तक दोस्तों एक सम्मानजनक पारी जरूर खेलने में सफल है, जिसमें कि दोस्तों बात करें तो 2 चौके लगाए हैं। 76.32 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। इस ओवर की अगली गेंद सीधे बल्ले से वाइट आउट पैड लाकर दोस्तों खेल दिया है अकरम मान की तरफ। अकरम मान यहां पर दोस्तों, अकरम मान ने सीन विलियम्स की तरफ, और सीन विलियम्स ने दोस्तों गेंद को उठाया और अपने बॉलिंग रनअप पर चलते बने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी, आपका क्या तारीफ है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ते हुए। बॉय क्या हमारा जंगली भाई, वाह नाम क्या है आपका, ऐसा नाम है कि थोड़ा मुस्कुराहट आ जाती है अपने आप चेहरे पे स्माइल। बैक टू बैक दोस्तों इस ओवर की 2 गेंदों पे, तीसरी गेंद इस ओवर की
दो लगातार डॉट के बाल, एक और दो बाल खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों गैप में खेला हुआ शॉट सिंगल मिल जाएगा दोस्तों। अब तक इस ओवर में चार नहीं पांच गेंदे हो चुकी हैं, पांच गेंदों पे सिर्फ एक दो रन आ चुका है दोस्तों। 28.5 ओवर की समाप्ति पर 126 लास्ट ऑफ टू विकेट्स, क्या कुछ कर पाएंगे अंतिम गेंद। सीन विलियम्स लेकर चलते बने, ऑफ साइड ऑफ स्टंप की गेंद थी, ऑफ स्टंप पर टप्पा पड़ने के बाद और ऑफ स्टंप की तरफ भागी, रन नहीं मिलेगा अंतिम गेंद पर। लेकिन ये कहा दोस्तों, बल्ला अड़ाया गया था दोस्तों, ऐसा लग रहा था दोस्तों स्लिप और सेकेंड स्लिप के बीच में बिल्कुल शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गेंद पाई गई, रन तो वहां पर नहीं मिलता लेकिन हल्की सी मिसफील्ड की वजह से सिंगल मिल चुका है दोस्तों। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 127 इस ओवर का समापन हुआ। इकोनॉमी के लहजे से दोस्तों सीन विलियम्स का एक शानदार और लाजवाब ओवर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुजीत मिश्रा, किंग सी किंग जी जुड़ चुके हैं दोस्तों, यहां पर जुड़ चुके हैं अग्रमान चौधरी जी जुड़ चुके हैं, जंगली बॉय जुड़ चुके हैं, विजय कुमार वर्मा जंगली बॉय का बहुत बहुत स्वागत है। नाम आपका ऐसा है कि आपका नाम लेते ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है। क्या कुछ होगा इस ओवर की अगले ओवर, यहां पर अगले ओवर की शुरुआत होने जा रही है, शुरुआत होने जा रही है तीसरे ओवर की, क्या कुछ कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए। नीदरलैंड का स्कोर इस समय 127 रन हो चुका है। कुलदीप कुमार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन। जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। नए ओवर की शुरुआत होने जा चुकी है, पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज और गैप में खेला हुआ शॉट, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दोनों बल्लेबाज भाग कर एक एक रन पूरा करने में सफल रहे। पहली गेंद पर सिंगल, पहली रन पर सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ दोस्तों 128 हो चुका है दो विकेट के नुकसान पर। जो करना कर लो यार, पहली गेंद पर सिंगल के साथ दोस्तों स्कोर 128 हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन, जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहिए। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद लेकर तैयार वासले में दबरे, अंपायर के पकड़ से राइट टर्म राउंड द विकेट, ऑफ साइड ऑफ स्टंप की गेंद थी, पॉइंट और कवर के बीच में जो गैप दिख रहा था दोस्तों उसको शानदार तरीके से भेद दिया है और सीधे बल्ले से दोस्तों गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ खेल दिया और बाउंड्री लाइन की तरफ जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाज भागकर एक रन पूरा करने में सफल रहे। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर सिंगल, बैक टू बैक दो लगातार गेंदों पे दो लगातार सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 129 लास्ट ऑफ टू विकेट्स इन 29.1 ओवर की समाप्ति पर। तीसरी गेंद यहां पर दोस्तों अहमद को बहुत ही चतुर चलाक तरीके से वागले में देवेरे ने अपने जाल में फंसाया और इस तरीके से दोस्तों मूसा अहमद बेचारे जाते हुए मैदान से बाहर। जी हां दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से अपने जाल जो बिछाया था उसमें दोस्तों बहुत ही रोमांचक तरीके से फंसाया और यहां पर दोस्तों अहमद को आउट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। बहुत ही शानदार और रोमांचक मुकाबला आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आता। मैंने लिखा है यार, व्हाट्सएप पे नहीं है मेरे। बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन, जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या लगता है दोस्तों कि आज का यह बेहतरीन मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करने में सफल रहेगी, जहां पर रोमांचक स्थिति में ये मैटर चलता हुआ नजर आ रहा था लेकिन बोल्ड मार दिया है दोस्तों। तीसरी गेंद भेज दो मैं कर लूंगा, तीसरी गेंद पर बोल्ड मार के दोस्तों मैदान से बाहर भेजा है मूसा अहमद। मूसा अहमद दोस्तों आज 29 रन बनाकर आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं, 43 गेंदों का सामना किया और दो चौके लगाए हैं दोस्तों, तीन चौके लगाए हैं और 67.43 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी का नजारा इनके द्वारा देखने को मिला। बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ गौरव भट्ट जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। मुझे लग रहा है कि गौरव भाई हमारे जो जुड़े हैं ये हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े रुपेश यादव हाय बोल रहे हैं। सुजीत मिश्रा बहुत बहुत स्वागत है, क्या लगता है दोस्तों आज के इस रोमांचक मुकाबले में। मुकेश के वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, लाइव कमेंट्री में जुड़ने के लिए। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं बरासी बोले या फिर बरासी बोले, क्या कुछ कर पाएंगे इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करें तो पहले इससे पहले जो ओडीआई खेला गया था पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर दोस्तों 7 रन बनाए थे लेकिन आज यहां पर दोस्तों क्या कुछ कर पाएंगे। फिलहाल बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जबरदस्त प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल इस ओवर की चौथी गेंद लेकर जाते हुए वासले मैदेबर अंपायर के बगल से राउंड द विकेट जाते हुए और पहली बार दोस्तों इस ओवर में बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं वारसी वरेसी, क्या कुछ कर पाएंगे। यहां पर दोस्तों हल्की सी डिस्टर्बेंस होते हुए नजर आई वरेसी को, इसलिए दोस्तों बॉलर को रोका और इसलिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जाना पड़ेगा एक बार फिर से दूसरी बार गेंदबाजी करने के लिए दोस्तों माधे वेरो को। अपने कोटे का छठवां ओवर पारी का दोस्तों तीसरा ओवर कराते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद पर कोई भी रन नहीं।
इस ओवर की अगली गेंद पर कोई भी रन नहीं, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर विकेट और चौथी गेंद पर कोई भी रन नहीं। अगली गेंद इस ओवर की सेकंड लास्ट बॉल लेकर जाते हुए एकलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गैप में खेला हुआ शॉट, सिंगल लिया है, शायद यहां पर दूसरा रन के लिए जाएंगे क्योंकि हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन यहां पर दोस्तों दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे। अब तक इस ओवर में 3 रन आ चुका है, एक महत्वपूर्ण विकेट आ चुका है, लेकिन क्या कुछ कर पाएंगे। अब दोस्तों स्ट्राइक पर आ चुके हैं, इस बार दोस्तों अकरम मार अंतिम गेंद कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन गेंद की जड़ में जाकर वहीं पर दोस्तों जमीन में दोस्तों ऐसे धसाना चाहते थे, बिल्कुल पासी में पुश करके रख दिया, रन नहीं मिलेंगे। डॉट डिलीवरी आ चुकी है, अंतिम गेंद पर कोई भी रन नहीं। स्कोर 30 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड ने बनाया 130 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जहां पर बात करें तो दोस्तों करंट रन रेट 4.33 का आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है दोस्तों आज के इस मुकाबले में क्या एक बार फिर से जीत सुनिश्चित होने वाली है नीदरलैंड की, या फिर दोस्तों आज का मुकाबला जिम्बाब्वे की टीम विन करने वाली है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीमें इस समय बराबरी बराबरी पे नजर आती हुई दिखाई रही। दोनों ही टीमें दोस्तों एक एक ओडीआई मुकाबला जीतकर अपने अपने सीरीज में बराबरी पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आज जो भी टीम इस मुकाबले को विन करेगी वो दोस्तों आज यहां पर दोस्तों सीरीज का ताज अपने सिर करने वाली है। शुरुआत होने जा रही एक और ओवर की, शुरुआत होने जा रही 31st ओवर की, शुरुआत होने जा रही 31वें ओवर की। पहली गेंद लेकर जाते हुए बॉलर, सामने बल्लेबाज तैयार वारसी, जो कि अपना खाता खोल चुके हैं, 1 रन बनाकर खेलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 1 रन बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप की बात करें तो 3 गेंदों पे 1 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। सीन विलियम्स अपने कोटे के दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, अंपायर के बगल से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप पर टप्पा पड़ने के बाद बहुत तेजी से अंदर की तरफ घूमते हुए आई, लेकिन बल्ले को दोस्तों यहां पर बहुत ही शानदार तरीके से सीधे बल्ले से खेला। दूसरी गेंद सीन विलियम्स के द्वारा, और यहां पर दोस्तों उठाकर खेल दिया है दोस्तों वारसी ने, गेंद डीप मिड विकेट की तरफ टप्पे के बाद में फील्डर के हाथ में गई, सिर्फ और सिर्फ मिंगर सिंगल ही मिलेगा। इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद अगर सिंगल आता है तो दोस्तों बहुत बड़ा दुख होता है, चाहे हम हो या फिर आप हो या फिर दोस्तों अकरम मान हो या फिर दोस्तों वरेसी क्यों ना हो। वरेसी स्ट्राइक पर आ चुके हैं, जो कि बरेसी नॉन स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं, 4 गेंदों पे 2 रन बनाकर खेले हैं। सिकंदर रजा बेटा प्लेयर जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तीसरी गेंद कट कर दिया है दोस्तों, एक बार फिर से थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही, सिंगल मिल जाएगा। पहली गेंद पर सिंगल, पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर सिंगल, 3 गेंदों पे अब तक इस ओवर में 2 रन आ चुका है, जबकि नीदरलैंड 132 रन 3 विकेट के नुकसान पर 30.3 ओवर की समाप्ति पर, जहां पर करंट रन रेट 4.33 का नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। नीदरलैंड नीदरलैंड के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, और उनका यह फैसला अभी तक कुछ हद तक सही साबित होता हुआ नजर आ रहा। चौथी गेंद मारने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, और यहां पर दोस्तों संपर्क जरूर गेंद बल्ले का हुआ नहीं, लेकिन यहां पर दोस्तों आउट हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों गेंद को हवा में उड़ाया था, मारने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद बल्ले का दोस्तों सिरा छोड़ती हुई यहां पर शानदार तरीके से आउट हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, सीन विलियम्स अपने कोटे के दूसरा ओवर करा रहे थे, पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिंगल, और तीसरी गेंद पर दोस्तों यहां पर ऐसा लग रहा था टॉप इज जो लेकर गई है यहां पर दोस्तों आउट तो नहीं थे, लेकिन चलिए कैच पकड़ लिया गया है, कॉटन बोल्ड आउट हो चुके हैं। विलियम्स ने दोस्तों खुद ही सफाई से गेंद को गेदर किया, और इस तरीके से दोस्तों, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या यहां पर दोस्तों थर्ड अंपायर की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल दोस्तों यहां पर करीबी मामला है, मुझे लग रहा है थर्ड अंपायर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन क्या जाने में सफल रहेंगे। फिलहाल करंट रन रेट 4.30 का नजर आता हुआ दिखाई दे रहा, और अगर इसी करंट रन रेट से रन बनते रहे तो कहीं आज का यह दोस्तों शानदार मुकाबला कितने बनेंगे आप सभी बता सकते हैं, कि जिस तरीके से करंट रन रेट चला 4.30 का, इसी करंट रन रेट से अगर रन बनते रहे तो कितने स्कोर आज बनाने में सफल रहेगी नीदरलैंड की टीम। 215 रन आज यहां पर दोस्तों नीदरलैंड की टीम बनाने में सफल रहेगी अगर इसी करंट रन रेट से दोस्तों रन बनता रहे। लेकिन नीदरलैंड की टीम अब दोस्तों थोड़ा सा विफल होते हुए नजर आ रही, क्योंकि दोस्तों 30.4 ओवर में नीदरलैंड ने 132 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर, और अब यहां से जो खेल बचा है 19.2 ओवर का सिर्फ खेल बचा है। कहीं ना कहीं दोस्तों अब थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई टीम नजर आ रही है नीदरलैंड की टीम। क्या कुछ होगा दोस्तों आने वाले मुकाबले में, क्या कुछ होगा दोस्तों शानदार और रोमांचक मुकाबले में। नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं एडवर्ड, जो कि बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। पिछले मुकाबले में इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 38 रन बनाए थे दोस्तों 28 गेंदों में। क्या दोस्तों आज बड़ी
बड़ी पारी या फिर दोस्तों लंबी पारी खेलने में सफल रहेंगे। एडवर्ड नए बल्लेबाज के रूप में इस ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार, जबकि खुद पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। सीन विलियम्स जाते हुए राउंड द विकेट जाते हुए सामने बल्लेबाज तैयार। एडवर्ड जो कि अभी अभी न्यूली बल्लेबाज के रूप में आए हैं, क्या कुछ कर पाएंगे। सत्यम गुप्ता 200 किंग भाई पानी पी लो, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने कहा हमने पी लिया। दोस्तों फिलहाल अंतिम गेंद सीन विलियम्स लेकर जाते हुए मारने का प्रयास, लेकिन दोस्तों संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, रन नहीं मिलेगा। अंतिम गेंद का ओवर समाप्त हुआ, दो रन बिना विकेट देखने को मिला 31st ओवर में, 31वें ओवर में, और नीदरलैंड 132 पर 4 हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय कुमार वर्मा, जिम्बाब्वे जीतेगी। सत्यम गुप्ता भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, जितने भी दोस्त चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहिएगा। दोस्तों शुरुआत होने जा रही है एक और नए ओवर की, और अब दोस्तों स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ चुके हैं दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए खुखार बल्लेबाज अकरम मान, जो कि दोस्तों बहुत ही कमाल के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या कुछ कर पाएंगे। जहां पर दोस्तों आज टीम को बल्लेबाजी से जिताने की दोस्तों जिम्मेदारी है अकरम मान के सर पर, क्या दोस्तों उसमें पूरी तरीके से फ्लॉप रहेंगे या फिर दोस्तों उसमें पूरी तरीके से सफल नजर आते हुए दिखाई देंगे। सीन विलियम्स 2 बार 5 रन 1 विकेट दिए हैं, जबकि एडवर्ड 2 गेंद खेल चुके हैं, खाता नहीं खोल पाए हैं। वहीं दोस्तों अकरम मान 45 गेंदों में 32 रन बनाकर खेले हैं। नए ओवर की शुरुआत मैदे पर अपने कोटे के 7वें ओवर पारी का दोस्तों 30-20 लेकर आ चुके हैं। पहली गेंद दोस्तों कोई भी रन नहीं मिलेगा, मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला था, वहां पर फील्डर मौजूद था, गेंद के पीछे रन नहीं मिलेगा। पहली गेंद पर दोस्तों कोई भी रन नहीं। सूरज कुमार बहुत बहुत शुक्रिया, हेलो भाई सूरज भाई, मोहम्मद हुसैन भाई, मैं जीतूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दोस्त चैनल पर जुड़े। सुबह की दूसरी गेंद गैप में खेला हुआ शॉट स्क्वायर लेग की तरफ, डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को भेदने में सफल है, सिंगल लिया और दूसरे रन के लिए भी दोस्तों जा रहे हैं, और आसानी से दोस्तों दोनों बल्लेबाज बहुत लंबे लंबे कदमों के साथ दोस्तों मैदान पर पहुंच चुके हैं, अपने क्रीज में दोस्तों सुरक्षित पहुंच चुके हैं। पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर डबल 134, 4 विकेट के नुकसान पर 31.2 ओवर की समाप्ति पर, जहां पर करंट रन रेट 4.28 का आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज, तीसरी गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप की गेंद, सीधे बल्ले से दोस्तों बैट खेल दिया है दोस्तों, बॉलर की दिशा में रन नहीं मिलेगा। सूरज कुमार हेलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भाई, हेलो सर गोविंद आर्या, बिल्कुल दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अगली गेंद चौथी गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज, गैप में खेला हुआ शॉट पॉइंट और कवर के बीच में जो गैप था उसको ढूंढ लिया था दोस्तों, सिंगल मिल जाएगा। एक और सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है दोस्तों, बात करें तो 135, 4 विकेट के नुकसान पर 31.4 ओवर की समाप्ति पर। अब तक इस ओवर में 4 गेंदें हुई हैं, 3 रन आ चुका है, यानी कि दोस्तों बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई नजर आ रही। अपने कोटे के 7वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर जाते हुए माधे बेरे, सामने बल्लेबाज तैयार है, क्या कुछ कर पाएंगे दोस्तों। एडवर्ड जो कि इस ओवर में दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं एक बार फिर से, जो कि अभी तक दोस्तों खाता नहीं खोल पाए हैं, पहली बार इस ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है, क्या कुछ कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए दोस्तों। इस ओवर की अगली गेंद मारने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, रन नहीं मिलेगा, रन नहीं मिलेगा दोस्तों, रन नहीं मिलेगा। सरिता देवी जुड़ चुके हैं, सरिता देवी जी स्वागत है, सुजीत कुमार, सूरज कुमार जी स्वागत है। फिलहाल अंतिम गेंद पर दोस्तों एक और रन आ चुका है, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ बात करें तो 136 रन हो चुका है, 4 विकेट के नुकसान पर 32 ओवर का समापन हुआ। इस ओवर में बात करें तो टोटल 4 रन, इससे प्रीवियस ओवर में 2 रन आए, करंट रन रेट 4.25 का नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब यहां से सिर्फ 18 ओवर का शेष खेल बचा हुआ है, यानी कि दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से 108 गेंदों का शेष खेल बचा है, लेकिन बचे हुए 108 गेंदों में आज यहां पर दोस्तों कितना रन बनाने में सफल रहेगी। बशीर खान जुड़ चुके हैं, यही मैच आज जिम्बाब्वे विन करेगा, आपकी भविष्य में कितनी दोस्तों सच्चाई है ये तो दोस्तों आने वाले कुछ ही घंटों में समय बताएगा दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है दोस्तों कौन सी टीम मुकाबला विन करने में सफल रहेगी। फिलहाल शुरुआत होने जा रही है एक और नए ओवर की, शुरुआत होने जा रही है दोस्तों यहां से 33वें ओवर की। पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज दोस्तों, बल्लेबाज सामने तैयार एडवर्ड बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, आज उनके कंधों पर जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन उस जिम्मेदारी को किस तरीके से आगे लेकर जा पाएंगे। पहली गेंद पर दोस्तों कोई भी रन नहीं। सीन विलियम्स अपने कोटे का 30वां ओवर पारी का 33वां ओवर लेकर आ चुके हैं।
पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं। दूसरी गेंद लेकर तैयार सामने बल्लेबाज, व्हाई इज नॉट टॉम कूपर प्लेइंग, आई डोंट नो व्हाई टॉम कूपर इज नॉट प्लेइंग, बट यू कैन चेक आउट अबाउट टॉम कूपर। फिलहाल दूसरी गेंद, बैक टू बैक दो लगातार गेंदों पे दोस्तों कोई भी रन नहीं आया। पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर दोस्तों कोई भी रन नहीं। स्कोर अभी भी दोस्तों 136 पर बना हुआ है, 4 विकेट के नुकसान पर 32.2 ओवर की समाप्ति पर। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। सीन विलियम्स अपने कोटे के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर जाते हुए दोस्तों क्या कुछ कर पाएंगे आज बल्लेबाज, सामने बल्लेबाज तैयार एडवर्ड, जो कि दोस्तों अभी तक इस ओवर में 3 गेंद खेल चुके हैं और सौभाग्य से तीनों ही दोस्तों डॉट बॉल देखने को मिली। इस ओवर की अगली गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, स्टेट लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑन का फील्डर अपने दोस्तों लेफ्ट साइड जा रहा है, गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक दोनों बल्लेबाज भाग कर 2 रन पूरे करने में सफल है। 2 रनों के साथ नीदरलैंड स्कोर 138 4 विकेट के नुकसान पर। अब तक इस ओवर में 4 गेंदों पे 2 रन आ चुका है। कहीं ना कहीं दोस्तों 50 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला। अगली गेंद बैक फुट पे जाके कट कर दिया है जबरदस्त तरीके से डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। चौके के लिए भेजा है दोस्तों एडवर्ड ने, एडवर्ड के बल्ले से दोस्तों पहला चौका, चौके की मदद से एडवर्ड पहुंच चुके हैं 7 रन पर, जबकि टोटल स्कोर 142 4 विकेट के नुकसान पर 32.5 ओवर की समाप्ति पर। बहुत ही शानदार और रोमांचक मुकाबला आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक इस ओवर में 5 गेंदों पे 6 रन आ चुका है, यानी कि दोस्तों 120 रनों के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर जाते हुए सीन विलियम्स अपने कोठे के तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर दोस्तों कोई भी रन नहीं मिलेगा। एक ओवर समाप्त हुआ और इस तरीके से इस ओवर में 6 रन, इससे प्रीवियस ओवर में 4 रन, 33 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड ने बनाया है 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जहां पर करंट रन रेट 4.30 का चलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इसी करंट रन रेट से रन बनते रहे तो दोस्तों आज यहां पर दोस्तों नीदरलैंड की टीम बनाने वाली है दोस्तों 215, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा हाईएस्ट स्कोर नहीं होगा। प्रिया गुप्ता जी कह रहे हैं स्क्वाड का नाम वो बहुत जरूरी है, अच्छा स्क्वाड का नाम बहुत जरूरी है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है दोस्तों, यहां से 34वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है दोस्तों। पहली गेंद का सामना करेंगे दोस्तों एकरम मैन, जो कि अपने अर्धशतक से सिर्फ और सिर्फ 15 रन दूर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या दोस्तों आज इनका अर्धशतक कंप्लीट होगा? एकरम मान जो कि राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं, पिछले मुकाबले में 28 बनाया था, लेकिन अभी तक दोस्तों इस मुकाबले में 35 रन बनाकर नॉट आउट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एडवर्ड जो कि दोस्तों कमाल के बल्लेबाज हैं, लेकिन इस ओवर में दोस्तों पहली गेंद जोरदार अपील हो रही है दोस्तों यहां पर, लेकिन बाल बाल बचते हुए अंपायर ने दोस्तों नॉट आउट करा दिया है। पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, मैदेबरे अपने कोटे का 8वां ओवर पारी का दोस्तों 34वां ओवर लेकर आ चुके हैं। दूसरी गेंद लेकर तैयार मैदेबरे अंपायर के बगल से राइट आर्म राउंड के लेग स्टंप पर टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आई, स्टंप की तरफ जा रही थी, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मोड़ा है सिंगल के लिए। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 143 हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर 33.2 ओवर की समाप्ति पर। झारखंड से हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिंगल, हमारे साथ पप्पू कुमार और यहां पर शुभू जी जुड़ चुके हैं। शुभू जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तीसरी गेंद पर कोई भी रन नहीं, स्कोर अभी भी दोस्तों 143 पर बन चुका है, 143 पर बना हुआ है। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज मैदेबरे क्या कुछ कर पाएंगे, जो कि अभी तक 236 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम करने में सफल है। अगली गेंद लेकर जाते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट, सामने बल्लेबाज तैयार एडवर्ड क्या कुछ कर पाएंगे, जो कि एक चौके की मदद से 11 गेंदों पर 7 रन बना करके ले। इस ओवर की अगली गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दोनों बल्लेबाज भागकर एक और रन पूरा करने में सफल है। पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर कोई भी रन नहीं, चौथी गेंद पर एक और सिंगल, एक सीरीज सी बनती हुई नजर आ रही है। 0-1 0-1 एंड आफ्टर डेट 1 मोर 0। 5 गेंदों पे अब तक इस ओवर में 2 रन आ चुका है। अंतिम गेंद लेकर तैयार एडवर्ड, एडवर्ड नॉन स्ट्राइक पर, जबकि एकरम मान स्ट्राइक पर बने हुए। एकरम मान 14 रन सिर्फ दूर नजर आ रहे हैं अपने अर्धशतक से। इस ओवर की अंतिम गेंद मैदेबरे लेकर जाते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट जा रहे हैं, सामने बल्लेबाज तैयार है अकरम मान, सीधे बल्ले से दोस्तों बैट और पैड लाकर खेल दिया, रन नहीं मिलेगा दोस्तों। गेंद सीधे फील्डर के हाथ में गई, गेंद सीधे दोस्तों मैदेबरे के हाथ में चली गई। अंतिम गेंद पर कोई भी रन नहीं मिला, ओवर समाप्त हुआ। मैदेबरे ने दोस्तों 8 ओवर में 37 रन दे चुके हैं। बात करें विकेटों से, इनका खाता जरूर खुला है, क्योंकि दोस्तों 1 विकेट लेने में सफल है। फिलहाल अब यहां से दोस्तों सिर्फ 16 ओवर का शेष खेल बचा है, 16 ओवर का शेष खेल बचा है, यानी कि दोस्तों 96 बॉल का शेष खेल बचा है। कहीं ना कहीं दोस्तों
बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा अभी तक देखने को मिला नहीं है नीदरलैंड की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी हुई कहीं ना कहीं दोस्तों आज थोड़ा सा परेशान जरूर किया है। क्या लगता है दोस्तों कितना स्कोर आज बनाने में सफल रहेगी? नए ओवर की शुरुआत, 35th ओवर की शुरुआत, पहली गेंद सिंगल, पहली गेंद पर सिंगल देकर एडवर्ड दोस्तों नॉन स्ट्राइक, जबकि अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं दोस्तों अकरम मान, 52 गेंदों पे 36 रन बनाकर खेले हैं। पानी लो यार थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहिए दोस्तों। फिलहाल दोस्तों स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में मोहन भाई का, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का। उसी के साथ ही अगली गेंद को लेकर तैयार फिर से विलियम्स जाते हुए ओवर की दूसरी गेंद को लेकर जा रहे हैं दोस्तों, और सामना कर रहे हैं अकरमैन जो कि 36 रन बनाकर खेल रहे हैं 52 गेंदों में। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगली गेंद विलियम्स की, दूसरी गेंद ओवर की, ड्राइव कर दिया है रन के लिए, कवर की तरफ गेंद को खेला था दोस्तों, और इसी के साथ इसको टीम का हो चुका है 146, 4 विकेट के नुकसान के बाद 35वां ओवर चल रहा है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से गेंद विलियम्स लेकर जाते हुए सामना करेंगे एडवर्स, 13 गेंदों में एडवर्स ने अभी तक दोस्तों 9 रनों की पारी खेली है और नीदरलैंड स्कोर हो चुका है दोस्तों 146 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद यह 34.2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अगली गेंद 34वें ओवर की, अगली गेंद को लेकर तैयार फिर से विलियम्स जाते हुए इस ओवर की चौथी गेंद का सामना कर रहे हैं एक्रमैन, 37 रन बनाकर खेल रहे हैं 53 गेंदों में, और नीदरलैंड का स्कोर हो चुका है दोस्तों 147 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत ही रोमांचक और एक शानदार मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। सर मैं नेपाल से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप नेपाल से जुड़े हुए हैं सबूत दिन भाई। अगली गेंद चौथी गेंद को लेकर तैयार, इस बार ड्राइव करने का प्रयास, गेंद बल्ले के बिल्कुल दोस्तों नजदीक से होती हुई चली गई, विकेट कीपर के बिल्कुल दस्तानों में, इस बार बहुत ही शानदार यहाँ पर बाल बाल बचे हैं। बादशाह भाई नंबर वन कॉमेंट्री ब्रो, बहुत बहुत धन्यवाद बादशाह भाई आपका हमारे साथ जुड़े के लिए। इसी के साथ ही अगली गेंद ओवर की पांचवी गेंद को लेकर तैयार विलियम्स जाते हुए सामना कर रहे हैं अकरमैन, 54 गेंदों में 37 रनों की पारी खेल चुके हैं नीदरलैंड 154। अगली गेंद अंदर आई, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, और इसी के साथ ही अंपायर ने उंगली उठा दी हवा में और 5वां विकेट का पतन हो चुका है नीदरलैंड का। जी हाँ दोस्तों, इस बार पहले अपील की गई लेकिन जैसा देखा कि विकेट की गिल्लियां भी गिर गई हैं, तो इसी के साथ ही दोस्तों बोल्ड हो गए हैं बल्लेबाज। नीदरलैंड का स्कोर हो चुका है 147 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों। जी हाँ, एक बहुत बड़ा झटका टीम को लगता हुआ और टीम का स्कोर हो चुका है इसी के साथ दोस्तों नीदरलैंड का। अगर हम बात करें 147 रन फिलहाल 5 विकेट के नुकसान के बाद 35वें ओवर की पांचवी गेंद पर दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत है राजा कुमार पुष्कर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बल्लेबाज नीदरलैंड की तरफ से लगातार अपनी विकेट गंवाते हुए पिछले ओवर में लगातार यहाँ पर दोस्तों उस तरीके से विकेट आया और फिर से विकेट आता हुआ नजर आया है। एडवर्स 14 गेंदों में 10 रन बनाकर अभी भी नॉट आउट खेल रहे हैं और टीम का स्कोर हो चुका है नीदरलैंड का 147 रन दोस्तों 5 विकेट के नुकसान के बाद। 35वां ओवर चल रहा है जहां पर आज के मुकाबले में ये 35वें ओवर की अंतिम गेंद का आना बाकी है। सेन विलियम्स ने 3.5 ओवर में अभी तक 14 रनों की अभी तक पारी खेली है और 14 रन खर्च किए और 2 विकेट ले चुके हैं। विलियम्स ने 2 विकेट चटका दिए दोस्तों आज के मुकाबले में, और ये दोस्तों अभी एक और विकेट चटकाया है। लगातार एक शानदार मुकाबला, 3रा विकेट मिल चुका है। अगर हम बात करें फिलहाल 2 विकेट ही मिले हैं, क्षमा चाहूंगा, फिलहाल इसी के साथ ही इसको टीम का हो चुका है नीदरलैंड का 147 रन 205 विकेट के नुकसान के बाद। टिंडाई जतारा ने आज के मुकाबले में 3 ओवर में 1 मिडिल ओवर 17 रन, कोई विकेट नहीं। रिचर्ड गरावा ने 4 ओवर में 14 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला। बेस्ट मैदेवेरी ने 8 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट निकाल लिया है। उसी के साथ ही ब्लेजिंग मजुरवानी ने 6 ओवर में 19 रन देकर 201 विकेट निकाला है। वहीं पर सिकंदर अला ने 5 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट निकाला है, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो मबूता ने 5 ओवर में 27 रन देकर दोस्तों कोई विकेट नहीं। सेन विलियम्स ने 3.5 ओवर में दोस्तों अभी तक फिलहाल विकेट निकाला। नए बल्लेबाज आ चुके हैं दोस्तों, जी हां नए बल्लेबाज आ चुके हैं यहां पर टिंडा मनोरू जो कि टीम के बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। देखते हैं कि किस तरीके से आपका टिंडा मनोरू आज के मुकाबले के अंदर बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी दोस्तों का जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के बीच में इस फाइनल मुकाबले में। फिलहाल आपके स्वागत है आप सभी दोस्तों का क्रिकेट अपडेट नाइस बोल रहे हैं, धन्यवाद भाई आपका लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद अंतिम गेंद ओवर की सेन विलियम्स लेकर जाते हुए सामना कर रहे हैं गेंद का बल्लेबाज सीन विलियम्स जो कि अगली गेंद को लेकर तैयार हैं और सामना करेंगे टिंडा मनोरू जिनका नाम थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है यार। यहां पर अगली गेंद सॉरी अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, ओवर की हुई समाप्ति, और इसी के साथ ही दोस्तों नीदरलैंड का स्कोर हो चुका है 147 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद 35 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 36वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। एडवर्स 14 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं और बेस्ट यहां पर नीदरलैंड का स्कोर 147 हो चुका है, जहां पर आज नीदरलैंड ने दोस्तों टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। इस
और अंतिम ओडीआई मुकाबले के अंदर हमारे साथ दिनेश उपाध्याय नोएडा से जुड़ गए। स्वागत है नोएडा से, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल आप सभी को बता दूं कि आज के मुकाबले के अंदर करंट रेट की बात करें नीदरलैंड 4.20 मतलब कि लगभग 225-220 रन बना पाएगी अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करती है तो 200 से ऊपर का स्कोर बनाती हुई नजर आने वाली है। और अगर यहां पर विकेट गिर जाते हैं तो दोस्तों नीदरलैंड के लिए 200 रन भी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रन तो यहां पर 200 बन रहे हैं, मतलब कि रन तो आसानी के साथ नहीं बन रहे हैं लेकिन विकेट लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं नीदरलैंड के लिए। फिलहाल 36 ओवर की पहली गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज आते हैं, की पहली गेंद कट करने का प्रयास किया, इस बार गेंद और बल्ले का दोस्तों संपर्क नहीं हुआ। जी हाँ, गेंद और बल्ले का दोस्तों संपर्क हुआ नहीं, गेंद चली गई बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दोस्तों दस्तानों में। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज जाते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद सामना कर रहे हैं एडवर्ड, जो कि इस बार गेंद को खेला लेकिन रन लेने का मौका नहीं। दो गेंद है डॉट बॉल, दोनों गेंदों पर दोस्तों कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर हो चुका है नीदरलैंड का 147 रन। फिलहाल अगर हम बात करें 5 विकेट के नुकसान के बाद सबूदिन बोल रहे सर्विस स्टैंडर्ड ऑफ द साउथ अफ्रीका मैच का कॉमेंट्री करना, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका की भाई बोल रहे हैं कि उनको उसका मैच का करना, चलिए देखते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही अगली गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज इस ओवर की, फिलहाल दोस्तों ओवर थ्रो का रन आ चुका है दोस्तों, ओवर थ्रो का एक रन आता हुआ, मतलब कि एक सिंगल बल्ले से लेकिन खराब फील्डिंग और ओवर थ्रो के चक्कर में दोस्तों एक रन और यहां पर दे दिया है टीम को। जी हां, नीदरलैंड का स्कोर 149 हो चुका है 5 विकेट के नुकसान के बाद। 36वें ओवर की अगली गेंद को लेकर तैयार फिर से विलियम्स जा रहे हैं और गेंदबाजी की बात करूंगा दोस्तों, यहां पर फिलहाल अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगली गेंद, तीसरी गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज जाते हुए फिलहाल सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का बल्लेबाज, देखते हैं किस तरीके से पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। टीम का जो स्कोर है वो 149 हो चुका है दोस्तों 5 विकेट के नुकसान के बाद। फिलहाल 2 गेंदें अभी तक हो चुकी हैं इस ओवर में और 2 गेंदों में अभी तक फिलहाल देखा जाए दोस्तों तो सिर्फ 2 रन आ चुके हैं, जिसमें एक ओवर थ्रो का रन दोस्तों हमें देखने को मिलता हुआ नजर आया है। फिलहाल इसी के साथ ही मधुवीर अपने ओवर की तीसरी गेंद को लेकर तैयार, मधुवीर की तीसरी गेंद सामना कर रहे हैं अगली गेंद का, इस ओवर की अगली गेंद सामना कर रहे हैं एडवर्ड। एडवर्ड ने अभी तक 7 रन खर्च किए हैं, 7 रन बनाए हैं 10 गेंदों में। और हमारे साथ दिनेश उपाध्याय बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा कमेंट्री करते हो, धन्यवाद दिनेश जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई जी का। और हमारे साथ दिनेश भाई जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ ही अगली गेंद, चौथी गेंद को लेकर तैयार फिर से गेंदबाज आते हुए अगली गेंद का सामना कर रहे हैं एडवर्ड्स, जिन्होंने 7 रन अभी तक बनाए हैं 11 गेंदों का सामना किया है। फिलहाल इस ओवर की तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, स्कोर हो चुका है टीम का नीदरलैंड का फिलहाल 143 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। 33.3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, चौथी गेंद को लेकर तैयार फिर से मधुवीर जाते हुए और इस ओवर की चौथी गेंद का अच्छी गेंद थी, कट कर दिया इस गेंद को, गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर की तरफ, एक रन पूरा कर लिया चौथी गेंद पर और इसी के साथ स्कोर हो गया टीम का फिलहाल नीदरलैंड का 144 रन 204 विकेट के नुकसान के बाद। जहां दोस्तों 33.4 ओवर की फिलहाल दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसको टीम का हो चुका है आगे बढ़ता हुआ फिलहाल 149 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। आप सभी लोगों को बता दूं मुकाबला बहुत ही शानदार और अच्छा चल रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ा सा वहां पर देखा जाए तो एक फील्डर चोटिल है जिससे थोड़ा सा मुकाबला रुका हुआ है, ओवर थ्रो का रन आया था उसके बाद थोड़ा सा बल्लेबाज जो है वो इंजर्ड हो गए थे और जिसके चक्कर में दोस्तों वहां पर कहीं ना कहीं यहां पर जो है मैच थोड़ा सा रुका हुआ है, या बल्लेबाज इंजर्ड हो गए थे इसलिए थोड़ा सा मैच रुका हुआ है। हमारे साथ मिंडू कुमार बोल रहे हैं कि सुपर कमेंट्री जम्मू कश्मीर से मैं सुन रहा हूं, अरे भाई धन्यवाद, जम्मू से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। जितने भी भाई जुड़ रहे हैं सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज जाते हुए अगली गेंद, मधुवीर अपने ओवर की अब तीसरी गेंद को लेकर जाएंगे दोस्तों, सामना करेंगे अगली गेंद का बल्लेबाज, देखा जाए एडवर्ड्स, जिन्होंने 16 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली, टीम का स्कोर हो चुका है 149 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। 36वें ओवर की तीसरी गेंद को लेकर तैयार फिलहाल गेंदबाज जाते हुए एडवर्ड्स की अगली गेंद, इस बार ड्राइव किया गेंद को, एक रन मिल जाएगा और एक रन के साथ इसको टीम का हो चुका है 150 रन दोस्तों 5 विकेट के नुकसान के बाद। अपना 9वां ओवर डाल रहे हैं, 4 गेंदों में अभी तक फिलहाल देखा जाए तो 4 रन दे चुके हैं और अभी तक 41 रन खर्च कर चुके हैं, 1 विकेट उनको मिल चुका है। फिलहाल अगली गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज देते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद सामना कर रहे हैं एडवर्ड, 17 गेंदों में 13 रनों की पारी खेलते हुए एडवर्ड इस ओवर की अगली गेंद का सामना करते हुए इस ओवर की अगली गेंद ड्राइव किया है, इसको एक रन पूरा किया और एक रन के साथ इसको टीम का 152 हो चुका है दोस्तों 5 विकेट के नुकसान के बाद। 36वें ओवर की फिलहाल अंतिम गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज जाते हुए आखिरी गेंद इस ओवर की लेकर तैयार गेंदबाज जाते हुए मधुवीर सामना करेंगे बल्लेबाज अगली गेंद का दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो यहां पर निदा मनुरु जो कि टीम के लिए अभी तक 2 गेंदों के अंदर 1 रन बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद स्वर की फिलहाल अंतिम गेंद, मधुवेरे दौड़ते हुए जा रहे हैं इस बार अगली गेंद, अंतिम गेंद को फिलहाल क्या विकेट ले पाएंगे, जी नहीं, ओवर की समाप्ति हो गई है दोस्तों, ओवर की समाप्ति के बाद 36 ओवर की समाप्ति हो गई है और समाप्ति के बाद 152 पर नीदरलैंड का स्कोर है 5 विकेट के नुकसान के बाद। फिलहाल इसी के साथ ही स्वागत है पवन भाई का, लगातार हम दोस्तों 2-2 3-3 ओवर लेकर आपके साथ हाजिर हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहन भाई। और इस समय नीदरलैंड का स्कोर 152 रन 5 विकेट के नुकसान पर 36 ओवर की समाप्ति पर। बहुत ही शानदार रोमांचक मुकाबला देखने को मिला हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अब यहां से जो खेल बचा हुआ है दोस्तों वो सिर्फ 14 ओवर का बचा है, यानी कि दोस्तों 96 बॉल का शेष खेल बचा है। और बचे हुए 96 गेंद में अगर नीदरलैंड की टीम 100 रन बनाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मुकाबला 250 के आसपास जाने वाला है। और पहली पारी में नीदरलैंड की टीम 250 के आसपास स्कोर बनाने में सफल हो सकती है, लेकिन क्या कुछ होगा जहां पर दोस्तों आज नीदरलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उनका यह फैसला दोस्तों थोड़ा सा विफल जरूर नजर आया, क्योंकि अभी तक 36 ओवर में 152 पे 5 विकेट हो चुके हैं। विकेटों का जो सिलसिला है वो दोस्तों कंटिन्यू रखा है, एक ब्रेक के बाद एक स्टेप के बाद। यह दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है नीदरलैंड की टीम, लेकिन दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। कोई बात नहीं है, इंडिया में वर्ल्ड कप में ओपनिंग पाकिस्तान रिजवान किंग बाबर आजम, देखते हैं दोस्त बाबर आजम का अपना किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, मोहम्मद रिजवान किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कल की डेट में जिस तरीके से अफगानिस्तान ने दोस्तों हवा निकाली थी पाकिस्तान की, कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर इस तरीके से बैटिंग का दोस्तों कोई आशा नहीं किया था, फिर चाहे वो इंडियन फैंस हो या फिर दोस्तों पाकिस्तानी फैन हो, क्योंकि जिस तरीके से या फिर पीएसएल में से एक बल्लेबाज हरीश या फिर दोस्तों बात करें तो भारी भरकम शरीर वाले बल्लेबाज मोहन भाई, मेरा भी नाम ले लो, कौन है भाई, शेखर जोशी। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कुकू चंदन हमारे साथ चढ़ चुके हैं, कुकू चौहान माफी चाहूंगा, नाम ही ऐसा है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों 14 अब यहां से शुरुआत होने जा रही है, 37 ओवर की शुरुआत होने जा रही है, एक और नए ओवर की। पहली गेंद का दोस्तों सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज एडवर्ड बने हुए हैं स्ट्राइक रेट पर, जो कि दोस्तों 14 रन बनाकर खेलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 18 गेंदों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों आज के इस मुकाबले में कितनी दोस्तों स्कोर बनाने वाली है नीदरलैंड की टीम, जहां पर दोस्तों करंट रन रेट 4.22 का नजर आता हुआ दिखाई दे रहा, और अगर इसी करंट रन रेट से रन बनते रहे तो दोस्तों 10 से 12 के बीच में दोस्तों यहां पर स्कोर बन सकता है। लेकिन अगर दोस्तों बल्लेबाजी चल गई एडवर्ड की या फिर दोस्तों निदा मुनरू का, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्कोर जो है 300 के लगभग आसपास जा सकता है, 300 टच भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों दोनों बल्लेबाज बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या कुछ कर पाएंगे, शुरुआत होने जा रही दोस्तों, ड्रिंक्स की टाली होले होले मैदान से बाहर जा रही है, ड्रिंक्स की टाली मैदान से बाहर जा रही है। अच्छा सोहन राणा जी, अपने शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल रखें भाई, वरना एक ऑप्शन आता है ब्लॉकिंग का, यहाँ से आप सीधे वहां से कर दिए जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं। ड्रिंक्स की टाली मैदान से बाहर जा रही है, और एक बार फिर से मुकाबला दोस्तों शुरुआत होने जा रहा है। मैथ्यू बेरे ने 10 ओवर में 42 रन दिए, एक विकेट लेने में सफल है। क्या दोस्तों अपने कोटे के अंतिम ओवर में एक और विकेट चटकाने वाले हैं मैथ्यू बेरे। बहुत ही रोमांचक मुकाबला आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सामने एडवर्ड बने हुए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 18 गेंदों पे दोस्तों 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभी तक दोस्तों इनके द्वारा एक चौका देखने को मिला, छक्के की बात करें तो दोस्तों छक्का नहीं देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने भी दोस्त चैनल पर जुड़े हैं। 200 पे ऑल आउट होगा हमारे साथ, ज्ञान चंद संदा बोल रहे हैं कि दोस्तों यहां पर की आउट होगा। कुकू चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लग रहा तो हमें और अच्छा लग रहा, अगर आपको अच्छा लग रहा तो हमें वेरी वेरी अच्छा लग रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हो चुकी है, पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं। शीन विलियम्स आ चुके हैं दोस्तों अपने कोटे का 5वां ओवर लेकर, पारी का 37th ओवर लेकर आ चुके हैं। पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर दोस्तों कोई भी रन नहीं। जैसे पहले इंडिया का बुरा हाल HAL किया था, अच्छा HAL का मतलब मैं कुछ और समझता हूं, HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। दूसरी गेंद पर कोई भी रन नहीं, पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, तीसरी गेंद लेकर जाते हुए विलियम्स अंपायर के बगल से राइट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए, सामने एडवर्ड तैयार है, क्या कुछ कर पाएंगे, बैक फुट पे गए दोस्तों, कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, रन नहीं मिलेगा दोस्तों, रन नहीं मिलेगा दोस्तों, रन नहीं मिलेगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आप कहां से हो दोस्त, मैं
अयोध्या से हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इस समय जो आप सभी दोस्तों के सामने एक सुंदर कमेंट्री लेकर हाजिर हूँ, ये दोस्तों आप सभी दोस्तों को सुनाई दे रही है बिहार की राजधानी पटना से। फिलहाल चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं, चार लगातार डॉट डिलीवरी, पांचवी भी डिलीवरी, वाह क्या शानदार गेंदबाजी। सीन विलियम्स आए और बैक टू बैक पांच डॉट बॉल और अंतिम गेंद पर भी दोस्तों कोई भी रन नहीं, एक और डॉट डिलीवरी, मेडन ओवर खिलाया है दोस्तों वो भी एडवर्ड को, वाह क्या शानदार गेंदबाजी। सीन विलियम्स पांच ओवर 14 रन 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं। मेडन ओवर देखने को मिला, फिलहाल अब यहां से 13 ओवर का शेष खेल बचा है, 78 गेंदों का शेष खेल बचा है, लेकिन कितना स्कोर आज बनाने में सफल रहेगी नीदरलैंड की टीम, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक 152 रन बनाने में सफल रहेगी। करंट रन रेट 4.11 का चलता हुआ नजर आ रहा है, अगर इसी करंट रन रेट से रन बनते रहे तो कहीं ना कहीं दोस्तों 205 के आसपास आज का यह स्कोर बनता हुआ नजर आता हुआ आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकता है। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही पारी के दोस्तों 38th ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज सामने है दोस्तों निदा मनुरु। क्या कुछ कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए, जो कि दोस्तों बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करने के लिए ये भी जाने जाते हैं। कभी कभी इनका बल्ला दोस्तों इतनी तेजी से चलता है कि 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं। सीन विलियम्स पांच ओवर कराए 14 रन 2 विकेट लेने में सफल है। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर जाते हुए वसले मदेवारे अपने कोटे के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद अंपायर के बगल से राउंड द विकेट जाते हुए सामने बल्लेबाज तैयार हैं निदा मुनुरु। क्या कुछ कर पाएंगे, जो कि पांच गेंदों पे एक रन बनाकर खेल रहे हैं, यानी कि दोस्तों अभी तक अपना खाता खोल पाए हैं, क्या कुछ कर पाएंगे। दूसरी गेंद यहां पर दोस्तों ऑफ साइड ऑफ स्टंप की गेंद मारने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में चल गई। खान सर बिहार से है, बिल्कुल जहां पर खान सर है, जहां पर दोस्तों खान सर की कोचिंग है, वहीं से दोस्तों इस समय आप सभी दोस्त ये कमेंट्री सुनते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी गेंद बिल्कुल दोस्तों मारने का प्रयास, लेकिन सीधे बल्ले के यहां पर दोस्तों निचले सिरे से दोस्तों फील्डर के पास कहीं रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट डिलीवरी आ चुकी है, बिल्कुल सोहन राणा जी जुड़ चुके हैं, क्वीन जी जुड़ चुके हैं, जीके फिरोज अहमद जुड़ चुके हैं, प्रिया गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष सिंह, सोहन राणा, फिर विशाल भाई, बसेर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगली गेंद, पांचवी गेंद, एक बार फिर से डॉट डिलीवरी। यहां पर दोस्तों क्या कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, चाहे फिर एडवर्ड हो या फिर दोस्तों निदा मुनुरु हो। इससे प्रीवियस ओवर में एडवर्ड ने 6 के 6 डॉट खेले और इस ओवर में 5 डॉट खेल चुके हैं निदा मुनुरु। चलिए फिलहाल अंतिम गेंद पर सिंगल के साथ दोस्तों स्ट्राइक पर बने रहेंगे। फिलहाल मेडन ओवर जरूर नहीं साबित हुआ, क्योंकि अंतिम गेंद पर ऐसा लग रहा था कि मेडन ओवर ही जाएगा, क्योंकि फिलहाल पिछले 12 गेंदों को उठा के देख ले तो सिर्फ और सिर्फ एक रन आया है, वो भी दोस्तों निदा मुनुरु के द्वारा। निदा मुनुरु ने इस अंतिम गेंद पर सिंगल लिया, सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखा है, ओवर समाप्त हुआ, एक सफल ओवर दोस्तों समाप्त हुआ, एक सफल दोस्तों बात करें तो स्पेल का समाप्त हुआ, क्योंकि माधे बेरे ने 10 ओवर कराए हैं, 43 रन दिए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम करने में सफल रहे। 38 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड ने बनाए हैं 153 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जहां पर करंट रन रेट 4 का नजर आता हुआ दिखाई दे रहा, 4.03 का नजर आता हुआ दिखाई दे रहा, और अगर इसी करंट रन रेट से रन बनते रहे तो लगभग 200 के आसपास स्कोर बन सकता है, लेकिन अभी 5 विकेट शेष हैं तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये स्कोर आप सभी दोस्तों को 250 प्लस देखने को मिल सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी अगर रहती है तो दोस्तों अंत में बहुत बड़े चौके छक्के भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा देखने को मिल सकता है ये तो दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत स्वागत है। इस ओवर की शुरुआत, एक और नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। 39 ओवर पहली गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज सामने दोस्तों बल्ले हुए निदा मुनुरु, क्या कुछ कर पाएंगे। हाय मोहन भाई हमारे साथ क्रिकेट उड़ीसा जुड़ चुके हैं 24, बहुत बहुत स्वागत है। कुकू चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव सेनापति, अकील अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त हमारे साथ। जितने भी दोस्त चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और इसी तरीके से दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे सर पर बनाए रखिए। शुरुआत होने जा रही है, एक और ओवर की शुरुआत होने जा रही, 39th ओवर की पहली गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज सामने दोस्तों निदा मुनुरु बने हुए हैं, क्या कुछ कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए दोस्तों निदा मुनुरु, जो कि 9 गेंदों का सामना कर चुके हैं और अभी तक सिर्फ 2 ही रन बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दोस्तों आज इनके बल्ले से अच्छे खासे बड़े बड़े लंबे लंबे चौके छक्के निकलने में सफल रहेंगे या फिर दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा। फिलहाल अंतिम गेंद पर दोस्तों जिस तरीके से सिंगल लिया था, कुछ ऐसे ही दोस्तों हर एक गेंद पर सिंगल डबल करना होगा, तभी दोस्तों इस मुकाबले में कुछ अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन यहां पर
दोस्तों फील्ड सजाई जा रही है ग्राउंड के चारों तरफ दोस्तों। निदा मुनरू के लिए फील्ड सजाई जा रही है कि बेहतरीन तरीके से। फिलहाल पहले गेंद जाकर कट करना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं विकेट कीपर के दस्तानों में। दूसरी गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन। पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, लेकिन दूसरी गेंद पर जिस तरीके से फील्डिंग लगाई थी उसको भेद दिया है दोस्तों चौके के लिए। निदा मुनरू के बल्ले से चौका, चौके की मदद से 6 पर पहुंच चुके हैं मुनरू। राइट हैंडर बल्लेबाज बहुत जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी गेंद लेकर जाते हुए सेन विलियम्स अंपायर के बगल से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जा रहे हैं। ऑफ स्टंप पर टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, सीधे बल्ले से दोस्तों बॉलर की दिशा में खेल दिया है निदा मुनरू ने। सेन विलियम्स ने गेंद को उठाया और वापस अपने बॉलिंग रन अप पर चलते बने। पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर 4, तीसरी गेंद पर कोई भी रन नहीं, 4 रनों के साथ इस ओवर में दोस्तों बात करें तो सिर्फ 4 ही रन आया। इस ओवर की अगली गेंद मारने का प्रयास, संपर्क हुआ नहीं दोस्तों। यहां पर ऑफ स्टंप पर टप्पा पड़ने के बाद और ऑफ स्टंप की तरफ घूमी, रन नहीं मिलेंगे। एक और डार्ट डिलीवरी आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल 5वीं गेंद, रन नहीं मिलेगा दोस्तों। फ्लाइट डिलीवरी आमंत्रित किया था बड़ा शॉट लगाने के लिए, लेकिन निदा मुनरू संभलते हुए दोस्तों जानते हैं कि यहां पर बड़ा शॉट लगाएंगे, अगर एक और विकेट आ जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों विफल हो सकती है टीम। इसलिए दोस्तों 5वीं गेंद पर कोई भी रन नहीं मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत बंधन अभिनंदन जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों कौन सी टीम जीतेगी, कोई कंफर्म हो तो बताओ। सोनू दयाल जी कह रहे हैं फिलहाल जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है मुझे लग रहा है कि नीदरलैंड की टीम आज गया यह मुकाबला थोड़ा सा दोस्तों विफल करते हुए नजर आ रही है। शुरुआत होने जा रही 40वें ओवर की और शुरुआत होने जा रही है एक और नए ओवर की। सीन विलियम्स 6 ओवर में 18 रन दिए, विकेट की बात करें तो 2 विकेट लेने में सफल रहे। अभी इनके 4 ओवर बचे हैं, लेकिन क्या यहां बचे हुए 4 ओवर में एकाध विकेट और अपने नाम करने में सफल रहेंगे। 40वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार एडवर्ड, दाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि 1 चौके की मदद से 58.33 के स्ट्राइक रेट से 24 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं, लेकिन आज कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे। जहां पर अभी तक दोनों बल्लेबाजों के बीच में बात करें तो 25 गेंदों पे दोस्तों 10 रनों की पार्टनरशिप आप सभी दोस्तों को देखने को मिल चुकी है। अब यहां से सिर्फ 11 ओवर का शेष खेल बचा है, 11 ओवर यानी कि दोस्तों सिर्फ 66 बॉल। पहली गेंद सिकंदर रजा आ चुके हैं, रजा जी आए हैं, क्या दोस्तों यहां पर विकेट चटकाएंगे या फिर दोस्तों छक्के चौके के साथ स्वागत होगा। पहली गेंद लेकर जाते हुए सिकंदर रजा अंपायर के बगल से राइट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, मिड ऑन के क्षेत्र में खेला और मैदान का फील्डर बहुत ही सफाई से गेंद को गेदर किया, फील्ड किया, जो रन लेने की गुंजाइश थी उसको समाप्त किया और सिकंदर रजा के पास बॉल पहुंचा दिया। यस भाई अली खान, मोहम्मद अली खान, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। फिलहाल दूसरी गेंद लेकर जाते हुए सिकंदर रजा अंपायर के बगल से राइट आर्म राउंड द विकेट, कलाइयों का इस्तेमाल किया है, गेंद जा रही है दोस्तों यहां पर स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल कंप्लीट किया, दूसरा रन भागना चाह रहे हैं लेकिन दोस्तों मन नहीं कर रहा है इनका और इसलिए दोस्तों दूसरा रन भागेंगे भी नहीं। फिलहाल पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिंगल, सिंगल के साथ 158 स्कोर, जबकि एडवर्ड नॉन स्ट्राइक और स्ट्राइक पर आ चुके हैं। निदा मुनरू बहुत ही कमाल की बल्लेबाज है दोस्तों, लेकिन क्या करामती खान के साथ दोस्तों जिस तरीके से कल की डेट में करामती खान ने करामत दिखाया था, क्या दोस्तों आज वैसा करामत दिखाने में सफल रहेगी नीदरलैंड की टीम। जिम्बाब्वे के सामने सिकंदर रजा अपने कोटे के 6वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर जाते हुए अंपायर के बगल से राइट आर्म राउंड द विकेट जा रहे हैं, सामने है दोस्तों निदा मुनरू, बॉलर के बगल से खेल दिया है दोस्तों। जब तक मिड ऑन का फील्डर दोस्तों अपने लेफ्ट जाता उठाता थ्रो करता, दोनों बल्लेबाज भागकर एक रन चुराने में सफल है। पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर सिंगल, अब तक ओवर में 3 गेंदों पे 2 रन आचा हुआ नजर आ रहा है। स्कोर 159 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 39.3 ओवर की समाप्ति पर। चौथी गेंद लेकर जाते हुए अपने कोटे के पास 6वें ओवर की चौथी गेंद, ऑफ साइड ऑफ स्टंप की गेंद, मारने का प्रयास, लेकिन दोस्तों पॉइंट के पर बहुत ही कमाल की फील्डिंग देखने को मिली दोस्तों और इस ओवर की अगली गेंद पर एक बार फिर से कोई भी रन नहीं। चंदन यादव बहुत अच्छा कमेंट्री है, बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अगली गेंद लेकर जाते हुए अपने कोटे के 6वें ओवर की 5वीं गेंद, आगे बढ़कर दोस्तों गेंद को गैप में खेला है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए सिंगल लेने में सफल रहे। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 160 160, 5 विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट चल रहा है 4.02 का। क्या लगता है दोस्तों आज के इस बेहतरीन मुकाबले में कैसा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। जला भाई हमारे
हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। फिलहाल इस ओवर की अंतिम गेंद, अब तक इस ओवर में 5 रन आ चुका है। क्या अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहेंगे दोस्तों? निदा अमनुरु आगे जरूर बढ़े थे लेकिन गेंद की जड़ में जाकर दोस्तों वहीं पर बास में ढकेल दिया। शॉर्ट लेग की तरफ विकेट कीपर दौड़ता हुआ आया और उठाया, और जिस तरीके से दोस्तों यहां पर रन लेने की जो गन यहां पर दोस्तों चांस बढ़ रहे थे उसको समाप्त किया। फिलहाल शुरुआत समाप्त हुई दोस्तों यहां पर 40वें ओवर का खेल। 40वें ओवर में 3 रन, जबकि इससे प्रीवियस ओवर में 4 रन आए थे, और 40 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड ने बनाए हैं 160 रन। और अब दोस्तों यहां से सिर्फ 10 ओवर का खेल बचा है, यानी कि दोस्तों 60 गेंदों का शेष खेल बचा है। हमारे साथ विजय कुमार जी जुड़ चुके हैं, नाइस कमेंट्री बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मीटर भाई जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। फिलहाल करंट रन रेट 4 का चलता हुआ नजर आ रहा, और इसी करंट रन रेट से रन बनते रहे तो आज का यह बेहतरीन स्कोर लगभग जा सकता है, जो कि बता दूं तो दोस्तों 200 के आसपास। लेकिन 10 ओवर 60 गेंदे, अगर 60 गेंदों पर 60 रन बनाएंगे तो 220। लेकिन बल्लेबाजी में दोस्तों गहराई है, थोड़ी बल्लेबाजी है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी है नीदरलैंड के पास, और अगर विकेट नहीं गिरा तो यह मुकाबला दोस्तों 270 तक भी जा सकता है, क्योंकि दोस्तों मुकाबले में दोस्तों प्रदर्शन तो करना होगा अगर इस मुकाबले में दोस्तों मुकाम हासिल करना है तो। फिलहाल शुरुआत होने जा रही है एक और नए ओवर की शुरुआत होने जा रही 41 ओवर की, 41 ओवर की शुरुआत होने जा रही। पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार एडवर्ड किस तरीके से बल्लेबाजी कर पाएंगे स्कॉट वर्डवर्ड, जो कि विकेट कीपिंग करते हैं अपने टीम के लिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके थैंक्स ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली गेंद कट कर दिया है दोस्तों, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर जमीनी रास्ते, और चौके के साथ 164 चौके के साथ 20 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, 20 पर दस्तक दे चुके हैं एडवर्ड। बहुत ही शानदार बैटिंग का नजारा देखने को मिलता है, किसी को भी बाला नहीं चल रहा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अली खान, फिलहाल पहली गेंद पर चौका आ चुका है। दूसरी गेंद लेकर जाते हुए सीन विलियम्स अपने कोटे के 7वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर जाते हुए, सामने बल्लेबाज तैयार एडवर्ड, दाएं हाथ के बल्लेबाज इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर जाते हुए सीन विलियम्स, अंपायर के बगल से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए, क्या कुछ कर पाएंगे? दूसरी गेंद उठा दिया बॉलर के सर से ऊपर से 4 रन। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर चौका, बैक टू बैक दो लगातार गेंदों पे दो लगातार चौके आ चुके हैं। एडवर्ड अपने फुल फॉर्म में आ चुके हैं दोस्तों, अपने बेहतरीन अंदाज में दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक दो लगातार गेंदों पर दो लगातार चौके के साथ नीदरलैंड पहुंच चुकी है 168 पर पहुंच चुके हैं नीदरलैंड 5 विकेट के नुकसान पर। क्या लगता है दोस्तों, एक और चौका आएगा क्या दोस्तों? एक और बाउंड्री आएगी। तीसरी गेंद लेकर जाते हुए सीन विलियम्स लेफ्ट आर्म अप दोस्तों, अपना साइड चेंज कर दिया, अब ओवर द विकेट जा रहे हैं, इससे पहले दोस्तों राउंड द विकेट जा रहे हैं सीन विलियम्स, अंपायर के बगल से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जा रहे हैं, सामने बल्लेबाज तैयार हैं स्कॉट एडवर्ड, जो कि दोस्तों बात करें तो 3 चौके की मदद से 30 गेंदों में 24 रन बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों यहां पर तीसरी गेंद पर एक बड़ी बाउंड्री आएगी, क्या यहां पर दोस्तों एक और? हमारे साथ अश्विनी शर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। फिलहाल तीसरी गेंद लेकर जाते हैं सीन विलियम्स, बल्लेबाज दोस्तों सामना करने के लिए तैयार एडवर्ड, और सुबह की अगली गेंद सम्मान दिया है दोस्तों, सीधे दोस्तों फील्डर के हाथ में गई, रन नहीं मिलेगा। पहली डॉट डिलीवरी इस ओवर में देखने को मिलती हुई नजर आ रही, 4-4-0 इस ओवर में रन आए हैं, यानी कि अब तक इस ओवर में 3 गेंदों पर 208 रन आ चुका, जबकि करंट रन रेट में हल्का सा इंक्रीमेंट देखते हुए 4.15 का हो चुका। अगली गेंद कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गैप में खेला हुआ शॉट, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दोनों बल्लेबाज भागकर एक और रन पूरा करने में सफल है। 4 गेंदों पर रन आ चुके हैं दोस्तों 9, यानी कि दोस्तों अब तक इस ओवर में बात करें तो 225 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला। 40.4 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड का स्कोर 169 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जहां पर बात करें तो दोस्तों करंट रन रेट 4.16 का आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार सीन विलियम्स अपने कोटे के 7वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर जाते हुए, अंपायर के बगल से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जा रहे हैं, और इस ओवर में पहली बार बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज निदा मुनुरु। लेग स्टंप पर टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, पैरों पर रखी हुई गेंद को सीधे बल्ले से दोस्तों खेला, और सीन विलियम्स ने दोस्तों गेंद को सफाई से गेंदर करते हुए बॉलिंग रन अप पर चलते बने। बैट्समैन का बच में फिलहाल, चलिए दोस्तों पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। चलिए आप पार्टनरशिप के बारे में बोल रहे हैं तो पार्टनरशिप बता दूं दोस्तों, 37 गेंदों में 22 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी। फिलहाल अंतिम गेंद पर कोई भी रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ। बैटिंग के लहजे से दोस्तों अगर बात करें तो शानदार ओवर रहा, क्योंकि इस ओवर में टोटल 9 रन आए और 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी का नजारा इस ओवर में देखने को मिला, जबकि
करंट रन रेट 4.12 का नजर आता हुआ दिखाई दे रहा। अगर इसी करंट रन रेट से रन बनते रहे तो 206 के आसपास स्कोर बनता हुआ आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकता है। लक्ष्मण जी बोल रहे 230 बनेगा, जी बिल्कुल बन सकता है क्योंकि विकेट शेष है, ऐसे में दोस्तों कोई भी स्कोर बन सकता है, लेकिन 300 नहीं बन सकते जी। जो सच्चाई है उसको हम जो आप सभी दोस्तों के साथ बयां कर रहे हैं कि 300 नहीं बन सकते दोस्त। अब हम आपसे झूठ बोलते कि नहीं 300 बनेंगे तो नहीं बनेंगे दोस्तों, ये कड़वी बात है और कड़वी बात कुछ लोगों को लगती है लेकिन ये हकीकत है। फिलहाल दोस्तों क्या कुछ होगा, मार एडवर्ड मार, रिजवान जी कह रहे हैं मार एडवर्ड मार, वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल शुरुआत होने जा रही है एक और नए ओवर की, शुरुआत होने जा रही है दोस्तों एक और खूबसूरत ओवर की, शुरुआत होने जा रही है 42वें ओवर की, क्योंकि अब दोस्तों यहां से सिर्फ 9 ओवर का खेल बचा है, यानी कि दोस्तों 54 गेंदों का शेष खेल बचा है। क्या कुछ कर पाएंगे बचे हुए 54 गेंदों में दोस्तों। सिकंदर रजा आ चुके हैं अपने कोटे का 7वां ओवर लेकर, पहली गेंद खेला हुआ शॉट लेकिन गैप ढूंढने में सफल रहे, पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं मिलेगा। पहली गेंद पर दोस्तों सिकंदर राजा को कोई भी रन नहीं मिलेगा। 6.1 ओवर करा चुके हैं सिकंदर राजा, 19 रन दिए हैं, एक महत्वपूर्ण विकेट लेने में सफल रहे। क्या लगता है दोस्तों, बोल नितेश नीलेश ब्रो नीलेश मौर्य, एक कमेंट बार बार करते हैं तो स्पैम हो जाता है, इसलिए दोस्त एक ही कमेंट बार बार मत करिए। फिलहाल पहली गेंद पर दोस्तों कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिंगल, सितारा क्यों नहीं बॉलिंग कर रहा है ये तो दोस्तों बताएंगे जिम्बाब्वे टीम के कप्तान, क्योंकि हम यहां से नहीं बता सकते दोस्त कि सितारा क्यों नहीं बॉलिंग कर रहा, ये तो दोस्तों इंटरनल मैनेजमेंट बताएगा कि क्यों नहीं बॉलिंग कराता हुआ नजर आ रहा। सिकंदर राजा इस ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों सिंगल दे चुके हैं, पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिंगल, स्कोर दोस्तों 170 रन। तीसरी गेंद लेकर जाते हुए सिकंदर राजा अंपायर के बगल से राइट टर्न अराउंड द विकेट, सामने है दोस्तों एडवर्ड, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट लेग की तरफ खेला, सिंगल मिल जाएगा, सिंगल दोस्तों स्कोर के साथ हो चुका है 170 फर्स्ट पांच विकेट के नुकसान पर। भाई दोनों कोई 50 रन बनाएगा बिल्कुल, यहां पर 200 मुझे लग रहा है एडवर्ड अपना 50 कंप्लीट करके जाएंगे। इस ओवर में 3 गेंदों पे 2 रन आता हुआ नजर आ रहा है, 3 गेंदों पे इस ओवर में 2 रन आ चुका। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज क्या कुछ कर पाएंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का आप सभी दोस्तों को नजारा देखने को मिलता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहिए। क्या है दोस्तों, क्या दोस्तों आज यहां पर बहुत बड़ा स्कोर टोटल बनाएगी या फिर दोस्तों एकाध विकेट और आने वाला है बहुत जल्द। बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहिएगा। दोस्तों एक शानदार और रोमांचक मुकाबला आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार और रोमांचक मुकाबले में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है दोस्तों, क्या लगता है दोस्तों, फिलहाल पांचवी गेंद और उठा के मारा है दोस्तों, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों की, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा है चौके के लिए। चौके के साथ नीदरलैंड 176 हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर 41.5 ओवर की समाप्ति पर। जो रोमांचक तरीके से मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें थोड़ी सी विफलता आप सभी दोस्तों को देखने को मिलती हुई नजर आ रही। बफर का इशू, कोई कह रहा है बफर का इशू है, क्या यहाँ पर दोस्तों बफर का इशू बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे हमारी तरफ से सारी चीजें ओके ठीक हैं, सारी चीजें तो यहां पर सही सही चल रही हैं, फिलहाल बफर का हमारे तरफ से इशू नहीं बना है। बहुत बहुत स्वागत। इस ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल के साथ ओवर का समापन हुआ, इस ओवर में 8 रन, इससे प्रीवियस ओवर में 8 रन, 9 रन बैक टू बैक दो लगातार गेंदों पर सही सही रन आए, जबकि 42 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड का स्कोर 177 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब यहां से जो खेल बचा है 4.2 ओवर का बचा है, 4.2 ओवर का बचा है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन बंदन जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहिए। क्या लगता है दोस्तों आज का यह बेहतरीन मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करने में सफल रहेगी, नीदरलैंड या फिर दोस्तों जिम्बाब्वे? आप सभी दोस्त भी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा दोस्तों। रोमांचक मुकाबला और शानदार मुकाबला आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा। फिलहाल शुरुआत हो रही है दोस्तों एक और नए ओवर की, शुरुआत होने जा रही है यहां से दोस्तों एक और खूबसूरत ओवर की। पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है गेंदबाज बल्लेबाज निदा मुनरू, क्या कुछ कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए। जो कि बात करूं तो दोस्तों अभी तक निदा मुनरू ने बनाए हैं दोस्तों इस समय बात करें तो 13 रन 22 गेंदों का सामना कर चुके हैं, लेकिन बल्लेबाजी काफ़ी खूबसूरत तरीके से चलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है, 2 बाउंड्री आएगी इस ओवर में, बिल्कुल आपकी मुँह में घी और शक्कर अगर आपकी बात सही होती है तो। दोस्तों देखते हैं क्या कुछ होता है, फिलहाल पहली गेंद लेकर जाते हुए
पहली गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज, क्या कुछ कर पाएंगे दोस्तों? नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, 43rd ओवर की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज और सामना करने के लिए तैयार निदा मुनुरू, बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन। फिलहाल पहली गेंद पर दोस्तों आ चुका है दोस्तों कोई भी रनिंग अभी तक। दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा। स्कोर नीदरलैंड का 177 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बात करें तो 42 ओवर की समाप्ति पर यहां पर दोस्तों 8 ओवर का शेष खेल बचा है, 48 गेंदों का शेष खेल बचा है। कौन जीतेगा आज? 666 हमारे साथ विश्वास जैन जुड़ चुके हैं। विश्वास जैन जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। अफीफ जुड़ चुके हैं, अफीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया है। अभिषेक महतो जुड़ चुके हैं, अभिषेक महतो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। फिलहाल पहली गेंद पर दोस्तों सिंगल आ चुका है, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। बात करें 178 हो चुका है, 178 हो चुका है स्कोर, 178 हो चुका है स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 42.1 ओवर की समाप्ति पर। दूसरी गेंद लेकर जाते हुए दोस्तों सीन विलियम्स अंपायर के बगल से राउंड द विकेट जाते हुए, दूसरी गेंद गैप में खेला हुआ शॉट, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक और रन। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर सिंगल, बैक टू बैक दो लगातार गेंदों पर दो लगातार सिंगल के साथ 179 5 विकेट के नुकसान पर 42.2 ओवर की समाप्ति पर। क्या लगता है दोस्तों, टेस्ट चल रहा है या हमारे साथ जयनीत कुमार जुड़ चुके हैं। फिलहाल तीसरी गेंद यहां पर दोस्तों कदमों का इस्तेमाल कर दिया था, गेंद डीप मिड विकेट की तरफ जा रही है, सिंगल कंप्लीट किया और दूसरे रन के लिए भाग चुके हैं, दूसरा रन भी भाग चुके हैं। बैक टू बैक दो लगातार गेंदों पे दो सिंगल, उसके बाद तीसरी गेंद पर डबल आ चुका है। स्कोर बढ़ता हुआ 181 5 विकेट के नुकसान पर 42.3 ओवर की समाप्ति पर। करंट रन रेट 4.26 का आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा। अब तक इस ओवर में 3 गेंदें हुई, 4 रन आ चुके हैं, 133 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी ओवर में देखने को मिली। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज सीन विलियम्स अपने कोटे के 8 ओवर की चौथी गेंद लेकर जाते हुए अंपायर के बगल से राउंड द विकेट जा रहे हैं। सामने बल्लेबाज तैयार निदा मुनुरू, दाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि दोस्तों अभी तक 66.67 के स्ट्राइक रेट से 24 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, दो चौके लगाए हैं अभी तक पूरी पारी में। क्या दोस्तों यहां पर बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है दोनों बल्लेबाजों के बीच में? क्या दोस्तों दोनों बल्लेबाज के अर्धशतक कंप्लीट होंगे? ये तो दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तीसरी गेंद पर चौथी गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज चौथी गेंद पर लेकर जाते हुए गेंदबाज क्या कुछ कर पाएंगे अपनी टीम? मारने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में दस्तक दी, रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट डिलीवरी आ चुकी है, पहली गेंद को सिंगल, दूसरी सिंगल, तीसरी गेंद पर डबल, चौथी गेंद पर कोई भी रन नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ बात करें तो दोस्तों 42.4 ओवर की समाप्ति पर 181 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब तक इस ओवर में 4 गेंदों पर 4 रन आ चुका है, 100 के स्ट्राइक रेट से रन आते हुए देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, अपना प्यार सपोर्ट दोस्तों बनाए रखिएगा। क्या लगता है दोस्तों आज का यह रोमांचक मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करने वाली? फिलहाल अपने कोटे के 8 ओवर की अंतिम गेंद लेकर जाते हुए सीन विलियम्स सामने बल्लेबाज तैयार, सीन स्कॉट एडवर्ड जो कि दोस्तों क्या कुछ कर पाएंगे? 28 रन बनाकर खेले, अंतिम गेंद पर दोस्तों कट किया है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए सिंगल लेने में सफल है। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 182 हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर 43 ओवर की समाप्ति पर। अब यहां से सिर्फ 7 ओवर का खेल बचा है, 42 गेंदों का शेष खेल बचा है, लेकिन 42 गेंदों में आज कितने रन बनाएगी नीदरलैंड की टीम ये तो दोस्तों वक्त बताएगा। और लेकिन वक्त दोस्तों आज मुझे लग रहा है कि नीदरलैंड का साथ दे रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से दोस्तों यहां पर विकेट नहीं आया है, लेकिन दोनों बल्लेबाज बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन हमारे साथ जितने भी दोस्त चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और इसी तरीके से दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए। शुरुआत होने जा रही है दोस्तों 44वें ओवर की, शुरुआत होने जा रही है दोस्तों 44वें ओवर की। जंगली बॉय जी कह रहे हैं नाइस कमेंट्री, आप जब जब भी आते हैं आपका नाम पढ़कर चेहरे पर अजीब से मुस्कान आ जाती है, स्माइली आ जाती है। क्या लगता है दोस्तों? लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अकरम खान जुड़ चुके हैं, पप्पू कुमार, अभिषेक महतो, निदान जुड़ चुके हैं, अभिषेक महतो, कुकू चौहान क्षमा चाहूंगा दोस्त, प्रिय अंसारी जुड़ चुके हैं, हाय बोल रहे हैं। फिलहाल शुरुआत होने जा रही है एक और नए ओवर की, खूबसूरत ओवर। पहली गेंद लेकर जाते हुए क्या कुछ कर पाएंगे दोस्तों आज यहां पर? अब दोस्तों दोनों बल्लेबाजों को अच्छे अच्छे शॉट लगाने चाहिए, बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के चौके लगाने चाहिए, क्योंकि अब दोस्तों टीम को जरूरत है अच्छे खासे स्कोर की। सुनील प्रजापति बहुत बहुत स्वागत। पहली गेंद कट कर दिया दोस्तों सिंगल के लिए, पहली गेंद पर कट कर दिया सिंगल के लिए, सिंगल के साथ स्कोर 183 5 विकेट के नुकसान पर 43.1 ओवर की समाप्ति पर। करंट रन रेट 4.24 का आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा। कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़े जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर जाते हुए सिकंदर राजा अंपायर के बगल से राउंड द विकेट जा रहे हैं। पहली गेंद पर सिंगल दे चुके हैं, इस बार
स्कॉट एडवर्ड इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। गैप में खेला हुआ शॉट, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाज भागकर एक और रन पूरा करने में सफल है। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर सिंगल, बैक टू बैक दो लगातार गेंदों पे दो लगातार सिंगल के साथ स्कोर 184 पर बना हुआ है, 184 पर बना हुआ है, 184 पर बना हुआ है। बहुत बहुत स्वागत फिलहाल इस ओवर की चार गेंदों के बाद में कमेंट्री बॉक्स में एक और खूबसूरत कमेंटेटर मोहन भाई का एंट्री होगा। तीसरी गेंद लेकर जाते हुए मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला, सीधे फील्डर के हाथ में दोस्तों गंद गई, रन नहीं मिलेगा, सिंगल डबल से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहां पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नजारा अभी तक देखने को मिला नहीं। अगली गेंद सिकंदर राजा अपने कोटे के आठ ओवर की चौथी गेंद, और यहां पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाल बाल बीट हुए और निदाम मुनरू को बोल्ड मार दिया है दोस्तों, गिल्लियां छिटक कर बहुत दूर गिरी हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली। इस ओवर में चार गेंदों पर बात करें तो दो रन आए और एक महत्वपूर्ण विकेट आ चुका, यानी कि 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी का नजारा इस ओवर में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल जो पड़ चुके हैं। विश्वास जी कह रहे हैं विकेट आ गया, बिल्कुल विकेट आ चुका है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से और रोमांचक तरीके से विकेट आया इस ओवर में। लक्ष्मण लवकुश भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिलहाल चार गेंदों पे एक विकेट आया है, लेकिन क्या दोस्तों अब यहां से जो खेल बचा है 6.2 ओवर, 38 गेंदों का शेष खेल बचा है और 38 गेंदों में कितने रन बनाएगी? अगर यहां पर 38 में 40 बना लेगी तब भी 234 के आस पार पहुंच चुकी थी है, और 234 का एक सम्मानजनक स्कोर जरूर रहेगा, और सम्मानजनक स्कोर के बारे में अब आप सभी दोस्तों को बताएंगे क्या सम्मानजनक स्कोर रहेगा, क्या इस स्कोर पर टारगेट किया जा सकता है, क्या इस स्कोर पर दोस्तों बेहतरीन तरीके से ले जाया सकता है, इन सब चीजों का आंखों देखा हाल सुनाने वाले हैं कमेंट्री बॉक्स में। स्वागत है मोहन भाई का। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी लोगों को बता दें कि आज नीदरलैंड ने 184 रन बना लिए हैं 6 विकेट के नुकसान के बाद। 44वां ओवर चल रहा है और 44वें ओवर की चार गेंदें हो चुकी हैं, एडवर्स 29 रन बनाकर आउट हो गए हैं और खेल रहे हैं। क्षमा चाहूंगा भाई, पर देखा जाए तो निदा मनरू 18 रन बनाकर आउट हो गए हैं 30 गेंदों के अंदर। नीदरलैंड के नए बल्लेबाज आ चुके अहमद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सामना करेंगे इस ओवर की फिलहाल पांचवीं गेंद का। सिकंदर राजा अपने ओवर की पांचवीं गेंद, सिकंदर राजा बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हुए, सिकंदर राजा का बल्ला दोस्तों फिलहाल कहीं ना कहीं देखा तो शानदार तरीके से चला था पिछले सीजन में। अगर हम बात करें पीएसएल में भी बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाया था। अगली गेंद इस ओवर की लेकर तैयार, फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद चौथी गेंद पर, फिलहाल दोस्तों पांचवीं गेंद पर देखते हैं कि क्या होने वाला है। सिकंदर राजा की बात करूं तो सिकंदर राजा आज के मुकाबले में एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए दोस्तों आज नजर आने वाले हैं। फिलहाल आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आल भाई दूसरा 70 मारेगा क्या? बिल्कुल देखते हैं भाई मार पाएंगे कि नहीं। इसी के साथ ही अगली गेंद पांचवी गेंद को कट कर दिया है, गेंद जा रही इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, एक रन पूरा किया और एक रन के साथ ही दोस्तों स्कोर हो गया टीम का फिलहाल नीदरलैंड का 185 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। 43.5 ओवर की दोस्तों समाप्ति हो चुकी है, जी हां 43.5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है नीदरलैंड का 185 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं मैच के अंदर दोस्तों। फिलहाल अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, इस बार की अंतिम गेंद, इस बार एडवर्स ने ड्राइव कर दिया है और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर दोस्तों 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार चौका, बेहतरीन चौका, आईपीएल में भी चलेगी क्या ऐसी कमेंट्री? बिल्कुल आईपीएल में भी ऐसी कमेंट्री चलने वाली है, बिल्कुल चलने वाली है ऐसी कमेंट्री। फिलहाल 44 ओवर की समाप्ति के बाद 189 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों हो चुका है स्कोर। बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिल रहा है दोस्तों। हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं, रमेश गिरी जुड़ चुके हैं, प्रीतम कुमार जुड़ चुके हैं, 3 स्टार हमारे साथ लगातार जुड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई का। फिलहाल इसी के साथ ही अगली गेंद, अब 45वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 45वें ओवर की पहली गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज जाते हुए सामना करेंगे अगली गेंद का बल्लेबाज, दोस्तों अहमद एक रन बनाकर खेल रहे हैं। हम असद परवाल बोल रहे हैं भाई मेरा हमेशा सही ज्यादा है प्रेडिक्शन, बिल्कुल बिल्कुल भाई आपका प्रेडिक्शन अच्छा जाता है। इसी के साथ ही फिलहाल अगली गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज जाते हुए 45वें ओवर की पहली गेंद सामना कर रहे हैं अहमद, जिन्होंने एक गेंद के अंदर अभी तक एक रन बनाकर खेल रहे हैं। और ये मुकाबला दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है, शानदार मैच चल रहा है। सिकंदर राजा अभी तक 2 विकेट चटका चुके हैं 8 ओवर में। फिलहाल अब 45वें ओवर की पहली गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज जाते हुए इस ओवर की पहली गेंद का सामना करते हुए बल्लेबाज अहमद ने इस गेंद को हल्के हाथों से खेला है, रन लेने का कोई भी मौका नहीं। नीदरलैंड का स्कोर हो चुका है 189 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। ये 45वां ओवर चल रहा है, इसी के साथ अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, शीन विलियम्स का ये 9वां ओवर है और 9वें ओवर की दोस्तों दूसरी गेंद पर इस बार पंच कर दिया है गेंद को, एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे और एक रन के साथ इसको टीम का हो चुका है। अगर हम बात करें 190 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों इस मुकाबले के अंदर इसको टीम का हो चुका है 190 रन, अगर हम बात करें 6 विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों।
फिलहाल अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज जाते हुए इस ओवर की अगली गेंद सामना करने के तैयार है बल्लेबाज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। फिलहाल अगली गेंद इस बार इस ओवर की दूसरी गेंद पर ड्राइव कर दिया है गेंद को एक रन के लिए। दोस्तों एक रन मिल जाएगा, स्कोर हो चुका है टीम का फिलहाल नीदरलैंड का 190 छह विकेट के नुकसान के बाद 44.3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दोस्तों 44.3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर टीम का हो चुका है 191। फिलहाल अगली गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ सीन विलियम्स अपने ओवर की चौथी गेंद को लेकर तैयार सामना कर रहे हैं बल्लेबाज अगली गेंद का अहमद। अहमद तीन गेंदों में 2 रन बनाकर खेलते हुए टीम का स्कोर नीदरलैंड का 191 हो गया। दोस्तों 191 रन दोस्तों बनाए हैं फिलहाल नीदरलैंड की टीम ने। अगर हम बात करें इस मुकाबले के अंदर बेहतरीन और एक रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगली गेंद इस ओवर की चौथी गेंद विलियम्स लेकर जाते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सामना कर रहे हैं अहमद। तीन गेंदों में दोस्तों अहमद ने अभी तक 2 रनों की पारी खेली है। टीम का स्कोर हो चुका है फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर देखा जाए तो नीदरलैंड का 191। लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों लगातार जुड़े हैं हमारे साथ आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ ही अगली गेंद की फिलहाल चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज सैम अहमद। अहमद जिन्होंने 3 गेंदों में 2 रनों की पारी खेली है। नीदरलैंड का स्कोर 191 हो चुका है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था नीदरलैंड की टीम ने। फिलहाल इस ओवर की चौथी गेंद स्मार्ट फ्लाई की डिलीवरी अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज ने इस गेंद को हल्के हाथों से खेला स्कोर लेग की तरफ, 1 रन और दोस्तों चुरा लिया है और इसी 1 रन के साथ ही स्कोर हो चुका है नीदरलैंड का 192 छह विकेट के नुकसान के बाद 44.4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मनोज कुमार लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीएम निदाम, अरे भाई चाय पानी तो पी लो। अरे बिल्कुल बिल्कुल चाय पानी पी लेते हैं। प्रीतम भाई स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आईपीएल में भी आपको दोस्तों हम इसी तरीके की कॉमेंट्री सुनाने वाले हैं, आईपीएल में आपको इसी तरीके का मजा देने वाले हैं आईपीएल क्रिकेट का त्योहार में। फिलहाल इसी के साथ ही अगली गेंद को लेकर तैयार गेंदबाज जाते हुए अंतिम गेंद और अंतिम गेंद में यहां पर दोस्तों बोल्ड कर दिया एडवर्ड को। एडवर्ड की यहां पर एंड हो गया, एडवर्ड की कहानी यहां पर पारी के एड हो गया है। और इसी के साथ ही दोस्तों हमारे साथ प्रीतम फिर से जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही 45 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर टीम का हो चुका है 192 सात विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों 5 ओवर का खेल अभी बाकी है और इन 5 ओवर में अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत ही शानदार मुकाबला हमें देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। बहुत ही रोमांचक और एक शानदार मैच हमें देखने को मिलने वाला है। विजय कुमार वर्मा बोल रहे हैं आईपीएल कब से, अरे भैया इतना बड़ा त्यौहार का पता नहीं है यार, बहुत नजदीक आ चुका है 31 तारीख से बड़ा त्यौहार है, दिवाली से बड़ा त्यौहार है क्रिकेट का ये, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ एमडी अल खान बोल रहे हैं भाई गया तेरा 70 वाला, अरे अच्छा किसने बोला था भाई के 70 वाला, शायद पवन भाई ने बोला होगा। इसी के साथ 45 ओवर की समाप्ति के बाद 192, यार मैंने तो नहीं बोला था हम दो कॉमेडियन है भाई, हम दो लोग हैं इसीलिए लगातार मैच दिन भर कर रहे हैं, एक लोग होता तो अभी बेहोश हो जाता। फिलहाल इसी के साथ ही 45 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया 192 रन। हमारे साथ दो अक्सर बोल रहे हैं कि भाई ये स्कोर कौन सी साइट पर देखते हैं, अरे भाई यहां पर मैं उस साइट का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि साइट का नाम नहीं ले पाऊंगा। 45 ओवर की समाप्ति 192 रन सात विकेट के नुकसान के बाद। इसी के साथ अभिषेक भाई बोल रहे हैं कि नेट जीतेगा, मैच जीतेगा चाहे जो भी हो। चलिए आपका कमेंट बिल्कुल अटपटा है, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूं। 5 में से 40 तो बन ही जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुकाबला अब यहां पर देखा जाए तो 46वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और एडवर्ड अभी तक 41 गेंदों में 34 रन बनाकर दोस्तों पवेलियन जा चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या होने वाला है मुकाबले के अंदर। अंतिम 3 विकेट और लेने होंगे अगर इस मैच को जो है नीदरलैंड को ऑल आउट करना है। दत्त आ गए हैं बल्लेबाजी करने के, दत्त आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए और 46वें ओवर की अब पहली गेंद का सामना करेंगे अहमद जिन्होंने 4 गेंदों में अभी तक 203 रनों की पारी खेली है। फिलहाल अगली गेंद ओवर की पहली गेंद इस बार ड्राइव किया, गेंद गई कवर की तरफ, फील्डर पीछे भागते हुए 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ इसको नीदरलैंड का 193 हो चुका है 7 विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों 46वें ओवर चल रहा है, 46वें ओवर की अगली गेंद इस ओवर की दूसरी गेंद को लेकर तैयार फिर से गेंदबाज जाते हुए। दोस्तों फिलहाल आप सभी का स्वागत है हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए। इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के तैयार अगली गेंद पर हल्के हाथों से गेंद को खेला है, इस बार गेंद को फील्ड करेंगे जब तक फील्डर कोई रन नहीं मिलेगा। 2 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर में और 2 गेंदों में मात्र अभी तक 201 रन आया है। हमारे साथ लगातार अभिषेक भाई बोल रहे हैं नीदरलैंड जीतेगा, रन जो भी हो अच्छा क्या बात है नीदरलैंड जीतेगा। चलिए देखते हैं फिलहाल अगली गेंद, इस बार गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस बार विलियम्स की गेंद को बल्लेबाज दत्त ने कदमों का प्रयोग किया और गेंद को भेज दिया है मधु यहां पर 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। दोस्तों बाउंड्री के बाहर छक्का लगा दिया है, नहीं सही छक्का लगा दिया, स्कोर हो चुका है दत्त का फिलहाल 6 रन पर दोस्तों 2 गेंदों में और स्कोर हो गया टीम का 199 दोस्तों 7 विकेट के नुकसान के बाद। बोलो कहां रहा है। फिलहाल अगली गेंद इस ओवर की चौथी गेंद, इस बार कट कर दिया दोस्तों गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन, एक और चौका
बहुत कमाल का क्रिकेट, चार गेंदों में आ गए हैं 11। नीदरलैंड की बल्लेबाज अब लगातार कर रहे हैं 9-2-11। स्कोर टीम का हो चुका है 203 रन फिलहाल 7 विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ ही अगली गेंद पांचवी गेंद को लेकर तैयार विलियम्स आते हुए। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है छक्का ऐसा लग रहा था कि साथ छक्का है, लेकिन फिलहाल जो अगली गेंद पर चौका आया था दोस्तों वो बिल्कुल लेग साइड की गेंद थी और इस बार वाइड प्लस चौका आएगा क्योंकि गेंद विकेट कीपर से छूट गई और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर लेग बाई के रूप में 4 रन के लिए। फिलहाल चौथी गेंद, इस ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों फिलहाल कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की पांचवी गेंद लेकर तैयार विलियम्स जा रहे हैं, सामने करेंगे दत्त। 4 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, टीम का स्कोर है 204 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज फिर से जाते हुए इस ओवर की अंतिम गेंद सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज की अंतिम गेंद का। दोस्तों बल्लेबाज विलियम्स 9 गेंद अभी तक देखा जाए दत्त जो कि 4 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं और इसको टीम का हो चुका है 204 रन। फिलहाल अगली गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 46 ओवर की समाप्ति के बाद इसको टीम का हो चुका है। दोस्तों फिलहाल 46 ओवर का खेल हो चुका है, इसको टीम का हो चुका है अगर हम बात करें 204 रन 7 विकेट के नुकसान। लाल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का और बचे हुए 4 ओवर के लिए कमेंट्री बॉक्स में मैं खुद आ चुका हूं और आप सभी दोस्तों के लिए एक बड़ा मुकाबला जो कि दोस्तों फाइनल मुकाबला लेकर आ चुका हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों। मेरे भाइयों क्या लगता है दोस्तों, मेरे भाइयों आज यह मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करने में सफल है। शुरुआत होने जा रही 47वें ओवर की, पहली गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज सामने है दोस्तों अहमद जो कि 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर खेले हैं। कैसे बल्लेबाजी रिया पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जडोन जी और मोहम्मद अली खान, प्रिया गुप्ता जी और यहां पर बात करें तो और कौन सा जुड़ा। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। इस ओवर की पहली गेंद शुरुआत होने जा रही, पहली गेंद पर दोस्तों कलाइयों का इस्तेमाल करके गैप में खेला है, पहली ही गेंद पर दोस्तों सिंगल ले चुके हैं। सिंगल के साथ दत्त अब एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं जो कि बहुत ही तगड़ा छक्का मारा था डीप मिड विकेट की तरफ जबरदस्त तरीके से कदमों का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन क्या यहां पर दोस्तों एक और बड़ा छक्का, क्या एक और छक्का लगा पाएंगे दोस्तों दत्त। दत्त के बारे में बात करें, आर्यन दत्त राइट हैंडेड बल्लेबाज 5 गेंदों पे 1 छक्के की मदद से 6 रन बनाकर खेले हैं। वहीं दोस्तों गेंदबाजी के लिए दोस्तों 100 ओवर की अपने कोटे के अगली गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज बहुत बहुत शुक्रिया। इस ओवर की अगली गेंद नए ओवर की पहली गेंद लेकर जाते हुए 204 हो चुका है नीदरलैंड का स्कोर। बहुत बहुत बॉलर दिखा यार कौन आया है, अच्छा सिकंदर राजा आ चुके हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर। पारी की बात करें तो 247वां ओवर लेकर आ चुके हैं दोस्तों अनमैरिड जुड़ चुके हैं, अनमैरिड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल पहली गेंद पर दोस्तों सिंगल, दूसरी गेंद पर कोई यहां पर दोस्तों लेकर जाते हुए सिकंदर राजा अपने कोटे के अपने अंतिम ओवर लेकर जाते हुए। पारी के 47वें ओवर की दूसरी गेंद सामने है दोस्तों दत्त, क्या कुछ कर पाएंगे दोस्तों जो कि बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं दोस्तों। पहली गेंद पर दोस्तों सिंगल के साथ स्ट्राइक पर दत्त बने हुए हैं, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है क्योंकि बचे हुए हैं यहां से सिर्फ 3.5 ओवर, यानी कि दोस्तों सिर्फ 23 गेंदों और 23 गेंदों में बल्लेबाजी के तरीके दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंद को हवा में भेजने वाले हैं दोनों बल्लेबाज, क्या कुछ कर पाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे दोस्तों हमारे सर पे। फिलहाल पहली गेंद पर सिंगल आ चुका है, सिंगल के साथ यहाँ पर स्कोर बोर्ड में हल्की सी दिक्कत सी आ रही मुझे ऐसा लग रहा। फिलहाल चलिए हम कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाता है थोड़े बहुत देर के लिए वो सही हो जाएगा। फिलहाल पहली गेंद पर दोस्तों सिंगल आया है, सिंगल के साथ दत्त नॉन स्ट्राइक पर, जबकि स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं बात करें तो दोस्तों अहमद, क्या कुछ कर पाएंगे दोस्तों शरीज अहमद लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड का कॉम्बिनेशन मैदान पर नजर आता हुआ। दूसरी गेंद कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया है गैप में दोस्तों, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। दोनों बल्लेबाज भागकर 2 रन पूरे करने में सफल है, 2 रनों के साथ दत्त पहुंच चुके हैं दोस्तों 8 पर, जबकि तीसरी गेंद पर एक और सिंगल आ चुका है। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर डबल, तीसरी गेंद पर सिंगल, 3 गेंदों में अब तक इस ओवर में 4। फिलहाल अगली गेंद एक बार फिर से गैप में खेला हुआ शॉट, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दोनों बल्लेबाज भागकर एक और रन पूरा करने दे। 3 विलियम्स अपने कोटे का अंतिम ओवर करा रहे हैं, अब तक इस ओवर में 4 गेंदों में 125 के स्ट्राइक रेट से 5 रन आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, बंदन अभिनंदन जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। अंतिम गेंद लेकर जाते हुए क्योंकि 5वीं गेंद पर कोई भी रन नहीं, लेकिन क्या कुछ कर पाएंगे इस ओवर की अंतिम गेंद पर। बहुत बहुत स्वागत, फिलहाल अंतिम गेंद पर दोस्तों सिंगल के साथ इस ओवर का समापन हुआ, इस पल का समापन हो चुका है दोस्तों सीन विलियम्स के। सीन विलियम्स ने 10 ओवर में 41 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम करने में
सफल रहे। फिलहाल अब यहाँ पर दोस्तों 3 ओवर का शेष खेल बचा है, 18 गेंदों का शेष खेल बचा है, लेकिन बचे हुए 18 गेंदों में नीदरलैंड की टीम आज कितना रन बनाने में सफल रहेगी, जहां पर दोस्तों करंट रन रेट 4.45 का लगभग 4.5 से 4.5 के आसपास का करंट रन रेट चलता हुआ नजर आ रहा है, और अगर इसी करंट रन रेट से रन बनते रहे तो ये स्कोर कितना जा पाएगा दोस्तों, कितना जा पाएगा दोस्तों, आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। 225 जी नहीं 225 से ऊपर बनने वाला है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज इस समय बहुत ही जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। इस ओवर की पहली गेंद, नए ओवर की पहली गेंद और जड़ दिया है दोस्तों चौका, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर चौका। रजा अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आ चुके हैं, 2 गेंदों पे 5 रन दे चुके हैं, 250 के स्ट्राइक रेट से अब तक इस ओवर में रन कलेक्ट करने में सफल रहे हैं। पहली गेंद पर दत्त ने सिंगल दिया, दूसरी गेंद पर मारा है दोस्तों बहुत तेजी से खींचकर चौका अहमद ने। अहमद दोहरे अंकों में पहुंच चुके हैं, अहमद दहाई के अंक पर पहुंच चुके हैं, जबकि इस ओवर के एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार हैं अहमद। सामने दोस्तों सिकंदर रजा तैयार, अंपायर के बगल से जाते हुए सिकंदर रजा, जो कि अभी तक 2 विकेट ले चुके हैं दोस्तों। सिकंदर रजा अंपायर के बगल से राइट टर्म राउंड द विकेट, सामने है दोस्तों अहमद सारीज अहमद। सोदर की अगली गेंद आगे बढ़ा दोस्तों, लेकिन अंत समय में जैसे देखा दोस्तों गुडलैंड डिलीवरी थी, सीधे बल्ले से खेल बैठे हैं, रन नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप की बात करें तो 15 गेंदों में 23 रनों की पार्टनरशिप अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 3 गेंदों में 5 रन आ चुका है। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। क्या लगता है दोस्तों आज का यह शानदार और रोमांचक मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है। इस ओवर की अगली गेंद, गेंद देखो खेल दिया है दोस्तों डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, सिंगल कंप्लीट किया और दूसरा रन भी भाग चुके हैं 2 रनों के साथ। नीदरलैंड 217 7 विकेट के नुकसान पर 47.4 ओवर की समाप्ति पर। अब तक इस ओवर में 4 गेंदों में 7 रन आ चुका है। अली भाई शर्ट बैड है तू इस बात की मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फिलहाल 5वीं गेंद अपने कोटे के अंतिम ओवर की सेकंड लास्ट बॉल लेकर जाते हुए गेंदबाज सिकंदर रजा, राउंड द विकेट ऑफ साइड ऑफ की गेंद को बहुत तेजी से पंच किया है, सिंगल ही लेकिन मिलेंगे। जितना खूबसूरत शॉट उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग, सिर्फ मिलेंगे दोस्तों सिंगल। सिंगल के साथ नीदरलैंड 218 7 विकेट के नुकसान पर, और इस ओवर में एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है बैटिंग इन पर दत्त का। क्या दोस्तों अंतिम गेंद पर शिकार करेंगे सिकंदर रजा के 200 गेंद का। अंतिम गेंद पर सिर्फ सिंगल मिलेंगे, ओवर का समापन हुआ इस ओवर में 9 रन, इससे प्रीवियस ओवर में 6 रन। 48 ओवर की समाप्ति पर 219 नीदरलैंड ने बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से सिर्फ 12 गेंदों का शेष खेल बचा है, 12 गेंदों का शेष खेल अब यहां से बचा है दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों बचे हुए 12 गेंदों में अब यहां से नीदरलैंड की टीम कितना रन बनाएगी, जहां पर इस समय नीदरलैंड ने 219 रन बना लिए हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा दोस्तों। एक शानदार और रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 232 जफर खान कह रहे हैं 232 बनेगा। फिलहाल 2 ओवर बचे हैं, 2 ओवर सिर्फ बचे हुए हैं दोस्तों, 12 गेंदें सिर्फ बची हुई है दोस्तों। बचे हुए 12 गेंदों में कितना रन बनाएगी आज नीदरलैंड की टीम, क्या यहां से दोस्तों लंबे लंबे चौके छक्के स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। बैट्समैन से अच्छा तो बॉलर ही खेल रहा है रे सोहन राणा, वाह। फिलहाल शुरुआत हो गई है दोस्तों 49th ओवर की। सिकंदर रजा 10 ओवर में 55 रन दिए, 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। आज दोस्तों बात करें तो नीदरलैंड के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और पहले बैटिंग करते हुए बल्लेबाजी करते हुए इस समय नीदरलैंड की जो स्थिति है 219 पर 7 विकेट हो चुके हैं। लेकिन क्या कुछ हो पाएगा दोस्तों बचे हुए ओवर्स में, क्या कुछ हो पाएगा दोस्तों बचे हुए 2 ओवर। वैसे तो दोस्तों स्कोर बहुत तेजी से बढ़ता रहा हुआ नजर आ रहा पिछले कुछ ओवर्स में। फिलहाल पहले गेंद कट किया है,
पहली गेंद को कट कर दिया है दोस्तों सिंगल के लिए। फिराज खान आई थिंक 230 में भी हो सकता है। फिलहाल दूसरी गेंद लेकर जाते हुए चतारा आ चुके हैं दोस्तों। चतारा बोले या फिर छतारा बोले इनको, टी छतारा आ चुके हैं दोस्तों। दूसरी गेंद लेकर जाते हुए अपने कोटे के चौथे ओवर की दूसरी गेंद लेकर जाते हुए चतारा, यार ऐसे ऐसे नाम है, चतारा नगारवा और चतारा बोलो चतारा चटारा। इस ओवर की दूसरी गेंद अंपायर के बगल से राउंड द विकेट जा रहे हैं दोस्तों। वल्लभ तैयार हैं, अहमद जो कि 11 गेंदों में 13 रन बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कर पाएंगे दोस्तों। भाई आकाश चोपड़ा की जगह तुम्हें बुला लेना चाहिए कमेंट्री के लिए। वाह भाई गौरव भट्ट जी, आपका ये पढ़कर कमेंट दिल गदगद हो गया है। फिलहाल दूसरी गेंद बैकफुट पे जाके दोस्तों पॉइंट के बगल से खेल दिया है, सिंगल मिल जाएंगे। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर सिंगल, बैक टू बैक दो लगातार गेंदों पे दो सिंगल, यानी कि दोस्तों 100 के स्ट्राइक रेट से अब तक इस ओवर में बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला। क्या लगता है दोस्तों बचे हुए इस ओवर की चार गेंदों पे क्या दत्त के बल्ले से एक आत बड़ा शॉट आने वाला है। तीसरी गेंद चटारा लेकर जाते हुए राउंड द विकेट जा रहे हैं, सीधे बल्ले से खेला है, गैप में खेला है दोस्तों, बॉलर के राइट साइड से निकाल दिया है। जब तक गेंद का फील्ड किया जाए, मिड ऑन का फील्डर अपने लेफ्ट साइड गया, उठाया, थ्रो किया, तब तक दोनों बल्लेबाज एक रन पूरा करने में सफल रहे। लेकिन यहां पर हल्की सी मिसफील्ड, जहां पर मिसफील्ड होती है वहां पर दोस्तों रन और बढ़ जाते हैं, और यहां पर भी दोस्तों एक रन बढ़ गया है। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर डबल आ चुका है। दो रनों के साथ 223 हो चुका है स्कोर नीदरलैंड का 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 3 गेंदें बची हुई हैं, 49वें ओवर में 3 गेंदें बची हुई हैं दोस्तों। अपने कोटे के चौथे ओवर की चौथी गेंद लेकर जाते हुए गेंदबाज अंपायर के बगल से राउंड द विकेट, सामने बल्लेबाज तैयार है दत्त जो कि 13 पे 15 रन बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चतारा पूरे दिन क्या चाट चाट कर यार कैसे कमेंट करते हो यार, फिलहाल मैं पढ़ना शुरू करता हूं तो गलत हो जाता भाई, ऐसे मत कमेंट करा करो यार, आप स्माइली दे देते हो। फिलहाल चौथी गेंद लेकर जाते हुए और यहां पर उठा के मारा है दोस्तों, गेंद जा रही है डीप मिड की विकेट की तरफ, बाउंड्री लाइन के करीब, फील्डर मौजूद, और यहां पर दोस्तों गेंद को कैच लपक लिया गया। जी हाँ दोस्तों कैच आउट हो चुके हैं। अबे छाता विकेट ले, अबे छाता विकेट ले, चटारा ने दोस्तों विकेट ले लिया है। चलिए चलिए विकेट ले लिया है दोस्तों। हमारे साथ कौन से भाई कह रहे थे अनमैरिड, अबे छाता विकेट ले, बिल्कुल छतारा ने विकेट लिया। शायद आज की जो अंतर आत्मा की कहानी थी उसको पढ़ने में सफल रहे चटारा, और चटारा ने अपने कोटे के चौथे ओवर की चौथी गेंद पर एक महत्वपूर्ण विकेट दिलाया है। चटारा की जय हो, बिल्कुल जय हो। फिलहाल चौथी गेंद पर विकेट आया नीदरलैंड 223, लास्ट ऑफ 8 विकेट्स इन 48.4 ओवर की समाप्ति पर, जहां पर करंट रन रेट 4.57 का आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर लाइव कमेंट्री में बने हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इसी तरीके से दोस्तों लाइक करते रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। फिलहाल क्या कुछ कर पाएंगे दोस्तों, नए बल्लेबाज के रूप में दत्त की जगह पर दोस्तों अब किसकी एंट्री होगी। जफर खान आप कहां से हो दोस्त? मैं हो यूपी से, यूपी के दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था। लेकिन इस समय जो आप कमेंट्री सुन रहे हैं ये बिहार की राजधानी पटना से सुन रहे हैं। सरिता देवी जी स्वागत है। फिलहाल पांचवी गेंद पर दोस्तों बल्लेबाज आ चुके हैं बीप वैन विक्रम, मेक्रम क्या कुछ कर पाएंगे। पहली ही गेंद जो खेल रहे थे दोस्तों कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गैप में खेलकर सिंगल ले लिए, यहां पर दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं दोस्तों, और आसानी से पूरा भी कर लेंगे। पहली गेंद पर दोस्तों डबल रन ले लिए, जो कि ओवर की पांचवी गेंद सेकेंड लास्ट बॉल थी। अपने कोटे के चौथे ओवर की अंतिम गेंद लेकर जाते हुए चटारा, इसके बाद में दोस्तों गेंदबाजी पर चटारा नहीं आएंगे। वेरी नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अंतिम गेंद कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन वीट हुए विकेट कीपर दे दोस्तों, दस्तानों में गेंद दस्तक दी, रन नहीं मिलेंगे और ओवर का समापन हुआ। तेरी जय हो, अगर आप तेरी जय हो।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त हमारे साथ जितने भी दोस्त चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। 49 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, सिर्फ एक ओवर का शेष खेल बचा है और सिर्फ यहां पर बचे हुए हैं 6 गेंदों का शेष। मैं पाकिस्तान से हूं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, पाकिस्तान की राजधानी कराची से है, पाकिस्तान की राजधानी कराची है, नहीं नहीं पाकिस्तान का एक शहर है। फिलहाल दोस्तों शुरुआत होने जा रही है, यहाँ पर दोस्तों बात करें तो 50वें ओवर की शुरुआत होने, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर, चलिए देखते हैं क्या हो। फिलहाल यहाँ से दोस्तों 6 गेंदों का शेष खेल बचा है और 6 गेंदों में आज नीदरलैंड की टीम क्या कुछ कर पाएगी, जो कि इस समय 225 रन बना चुकी है 8 विकेट के नुकसान पर। जय हो बिहार के लाल। 6 गेंदों का शेष खेल बचा है, नीदरलैंड ने 225 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं दोस्तों जो बल्लेबाजी हो रही थी दोस्तों पिछले कुछ ओवर से बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि 49वें ओवर में 6 रन आए 1 विकेट, उससे पहले 9 रन आए थे, यानी कि दोस्तों बल्लेबाजी तो काफी शानदार चली है। फिर चाहे दोस्तों अहमद हो या फिर दोस्तों मिकरन हो, मिकरन हालांकि नॉन स्ट्राइक पर बने हुए हैं, 2 गेंदों पे 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं दोस्तों अहमद 12 गेंदों पे 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। नगारवा आ चुके हैं दोस्तों, नगारवा अपने कोटे का 5वां ओवर पारी का अंतिम ओवर लेकर आ चुके हैं, महाराष्ट्र रोहित बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल पहली गेंद और यहां पर नगारवा को पहली ही गेंद पर शानदार तरीके से विकेट मिल चुका है, मारने का प्रयास, गेंद बल्ले का दोस्तों इज लेकर वहीं पासी में दोस्तों उड़ गई आसमान की तरफ और दोस्तों फील्डर दौड़कर एक आसान सा कैच पकड़ने में सफल है। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों कैच पकड़ा गया, भाई तुम यूपी के हो तो ना बोलने के स्टाइल बता दो ते हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। पहली गेंद पर दोस्तों सिंगल आ चुका है, कोई भी रहे पहली गेंद पर विकेट आया है दोस्तों सिंगल, यहां पर 49.1 ओवर की समाप्ति पर 225 9 विकेट के नुकसान पर। अब दोस्तों मैदान पर एंट्री होने जा रही है अंतिम विकेट की, अंतिम विकेट की एंट्री होने जा रही है दोस्तों, अंतिम विकेट के लिए क्या कुछ कर पाएंगे, क्या दोस्तों आज ऑल आउट होने जा रही है, क्या दोस्तों नीदरलैंड की टीम ऑल आउट होने जा रही है। अंतिम ओवर प्रयास, अंतिम ओवर में पहली गेंद पर विकेट आ चुका, दूसरी गेंद का सामना करने के लिए आ चुके हैं कला सेन, क्या यहां पर दोस्तों कला दिखाते हुए छक्के चौके लगाने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों, प्रॉबेबल कहां गया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिलहाल दूसरी गेंद लेकर जाते हुए नगारवा क्या कुछ कर पाएंगे दोस्तों, जो कि अभी तक 4.1 ओवर में 14 रन दिए, एक महत्वपूर्ण विकेट अपनी टीम को निकाल कर देने में सफल रहे हैं दोस्तों, अपनी टीम को एक विकेट निकाल कर दे चुके हैं नगारवा, बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दोस्त। हमारे राजेंद्र जमादार वेरी गुड कमेंट्री, हमारे साथ राजेंद्र जमादार भाई जड़ चुके हैं दोस्तों, जय सिंह पटेल जुड़ चुके हैं दोस्तों, अभिषेक महतो सनातनी जुड़ चुके हैं हमारे साथ दोस्तों, अक्षय पाल जुड़ चुके हैं। फिलहाल दोस्तों क्या कुछ कर पाएंगे, दूसरी गेंद का सामना करने के लिए कला सेन तैयार, अंपायर के बगल से भागना शुरू कर दिया है दोस्तों नगारवा ने, क्रॉस किया अंपायर को, राउंड द विकेट, सामने है दोस्तों कला सेन, लेग स्टंप छोड़ती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, गेंद ने दम तोड़ा, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, वाइड बॉल के साथ एक और रन का इजाफा हुआ, अतिरिक्त के साथ स्कोर 126 हो चुका है। पहली गेंद पर दोस्तों विकेट, दूसरी गेंद कराने के लिए गए और दूसरी गेंद वाइड आ गई चुकी है। फिलहाल दोस्तों दूसरी गेंद एक बार फिर से कराना पड़ेगा, नगारवा के इस ओवर की दूसरी गेंद, ऑफ साइड ऑफ स्टंप की गेंद, मारने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं, रन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब तक इस ओवर में 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 1 रन आया है वो भी दोस्तों एक्स्ट्रा के रूप में, और इस समय दोस्तों बात करें तो स्कोर 226 हो चुका है। अगली गेंद, तीसरी गेंद लेकर जाते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, सामने बल्लेबाज तैयार है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सूरज तिवारी गुड कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, लव यू भाई, अक्षय पाल जी बोल रहे लव यू टू ब्रो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। अगली गेंद, पटकी हुई शॉट, पिच बाउंसर, लेकिन उतनी ऊंचाई की गेंद जरूर गई नहीं,
यहां पर सीने से थोड़ा नीचे रही गेंद और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए सिंगल लेने में सफल रहे, क्योंकि दोस्तों गेंद बल्ले की जड़ में लगी थी, बल्ले के निचले पायदान पर लगती हुई गेंद दोस्तों गई थी लेग साइड में। दोनों बल्लेबाज भागकर एक रन पूरा करने में सफल रहे और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं वैन विक्रम, राइट हैंडर बल्लेबाज। क्या कुछ कर पाएंगे वैन विक्रम, उनके सामने गेंदबाजी लेकर चौथी गेंद तक भागे चले आ रहे हैं दोस्तों अंपायर के बगल से लेफ्ट राउंड विकेट। आगे बढ़े, गेंद को उठा दिया है दोस्तों, गेंद हवा में जा रही है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। एक टप्पे के बाद दूसरे टप्पे के बाद में गेंद फील्डर के हाथ में, सिंगल कंप्लीट किया और दूसरा रन भी दोस्तों कंप्लीट करने में सफल है। दूसरे रन के साथ स्कोर 229 हो चुका है। चौथी गेंद पर डबल रन आ चुका है, अब तक इस ओवर में चार गेंदों पर चार रन आ चुके हैं। 200 के 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अपने कोटे के पांचों ओवर की सेकंड लास्ट बॉल लेकर जाते नगर हुआ अंपायर के बगल से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट भाग के खेल दिया, गेंद जा रही है दोस्तों लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, सिंगल ही मिलेगा क्योंकि एक टप्पे के बाद दोस्तों गेंद फील्डर के हाथ में गई थी, सिर्फ सिंगल मिले। लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उल्टा हो जाता है कभी कभी। फिलहाल अंतिम गेंद अपने कोटे के पांचवें ओवर की अंतिम गेंद लेकर जाते हुए, पारी की अंतिम गेंद लेकर जाते हुए नगाड़ हुआ, क्या यहां पर दोस्तों नगाड़ा नगाड़ा जो बजा गाना होता है कुछ ऐसे ही दोस्तों बजाने वाले हैं कला से। अंतिम गेंद लेकर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जा रहे हैं, सामने दोस्तों कला तैयार है, क्या कुछ कर पाएंगे, उठा के मारने का प्रयास। एक टप्पे के बाद गेंद फील्डर के हाथ में, सिर्फ सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर 231 हो चुका है, 231 हो चुका है 9 विकेट के नुकसान पर। और अब यहां से जीत के लिए 232 रनों की जरूरत है अगर ये शानदार मुकाबला अपने नाम करने वाली है, अपने नाम करना चाहती है दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, 10 फोन से सब्सक्राइब कर दिया हूं। मनीष सिन्हा जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तहे दिल से शुक्रिया, दिल की गहराई से शुक्रिया, दिल की अंतर आत्मा से शुक्रिया। फिलहाल 50 ओवर की समाप्ति पर 231 रन नीदरलैंड ने बनाई है और जीत के लिए 232 रनों का टारगेट दी है, जहां पर करंट रन रेट दोस्तों आज 4.62 का आप सभी दोस्तों को देखने को मिला। क्या लगता है दोस्तों आज का यह बेहतरीन मुकाबला, CR7 शॉर्ट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हाय भाई बहुत बहुत वेलकम है, मोस्ट वेलकम है दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या लगता है दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आज, वैसे आप सभी दोस्तों को क्या लगता है आज के इस मुकाबले में कौन सी टीम विन करने वाली है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे की टीम आज मोस्ट प्रोबेबली ये मुकाबला दोस्तों विन करने में सफल हो सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं होगा, लेकिन दोस्तों मुकाबले में बहुत तनातनी रहेगी एक दूसरे की तरफ से, लेकिन अंत समय में बाजी मार सकती है दोस्तों नीदरलैंड के सामने जिम्बाब्वे की टीम। क्या कुछ होगा ये तो दोस्तों, भाई इनिंग ब्रेक हो गया है, थोड़ा पानी पी लो, कमाल की एनर्जी है भाई, वाह गौरव भट्ट भाई बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। फिलहाल चलिए दोस्तों आप सभी दोस्तों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये एनर्जी डबल नहीं 4 times हो जाती है दोस्तों। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आज का यह मैच नीदरलैंड ही जीतेगी, अक्षय पटेल जी बोल रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों जय सिंह भाई, दिनेश भाई, रमेश सुनार भाई, दिनेश भाई, अक्षय पटेल भाई, सूरज तिवारी, गुड कमेंट्री, वेरी गुड कमेंट्री कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रो। ये कमेंट तो पढ़ा ही नहीं है, इस मैच में भी मोदी जी ही जीतेंगे यार, ये मोदी जी कहाँ आ गए यार, कभी कभी FB नहीं इंस्टा, ओके आईडी दो। अच्छा भाई चलिए, इन लोगों का खेल जारी है, चलिए आप लोग अपना खेल जारी रखिए। थोड़ा सा मैं बता दूं, आज दोस्तों यहां पर नीदरलैंड के कप्तान ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और एक एक अंतराल, एक एक समय के अंतराल के बाद में एक एक विकेट गिरते रहे, आते रहे जाते रहे, एक एक खिलाड़ी आते रहे और जाते रहे। बात करें तो दोस्तों इस तरीके से भाई अक्षय पटेल नहीं, बाल
अक्षय पाल, माफी चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर तेजी से कमेंट बहुत तेजी से निकलते हैं, सर के ऊपर से निकल जाते हैं यार, इतनी तेज कमेंट निकलते हैं कि देखने में अगर जरा सा भी मिस कर दो तो पाल को पटेल और पटेल को पाल बोल दो। फिलहाल चलिए अक्षय पाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, फिर से करेक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा अगर आपने डीपली दिल की गहराई से लिया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्त, क्षमा कर दीजिएगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, क्या लगता है फिलहाल दोस्तों इसी तरीके की कमेंट्री सेकंड इनिंग भी में भी आपको दोस्तों मिलने वाली है मेरी तरफ से और मेरे भाई प्रिय मित्र साथी की तरफ से मोहन भाई की तरफ से। तो थोड़ा हम भी, कुछ भाई लोग कह रहे थे कि आप भी पानी वगैरह पी लीजिए, तो मैं भी चाह रहा हूं कि थोड़ा सा पानी मैं भी पी आऊँ जिससे कि दोस्तों एनर्जी बनी रहे दूसरी इनिंग्स के लिए।
मर गए। फिलहाल इसी के साथ ही अगली गेंद और सुपर की फिलहाल चौथ पांचवीं गेंद पर ड्राइव कर दिया दोस्तों। गेंद जा रही है इस बार डीप कवर की तरफ, लेकिन दोस्तों जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, तीन रन दोस्तों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए, तीन रन दोस्तों बल्लेबाजों ने चुरा लिए हैं। बहुत ही शानदार और बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ दोस्तों, फिलहाल लाजवाब, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज जाते हुए अंतिम गेंद क्लासन की, और हमारे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिलहाल अंतिम गेंद सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज मधुवेरे। छह गेंदों में मधुवेरे ने अभी तक तीन रनों की पारी खेली है और टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों फिलहाल सात रन बिना विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है अभी तक बल्लेबाजों के द्वारा। नीदरलैंड के बल्लेबाज जानते हैं और जिम्बाब्वे के बल्लेबाज जानते हैं कि उनको ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, वो आराम से इस रन को बना लेंगे, कोई दिक्कत के सामना उनको करना नहीं है और ये रन आसानी के साथ दोस्तों बनाते हुए नजर आने वाले हैं इस मुकाबले के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही कि आपको हमारी, ज़रूर आप हमें बताइएगा, फिलहाल चेक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ लगातार दोस्तों जुड़े रहने के लिए। और आपको बता दूं आज का जो मुकाबला है बहुत ही रोमांचक दोस्तों चलता हुआ नजर आ रहा है, भैया बहुत ही अच्छा मैच हमें दोस्तों देखने को मिल रहा है। चलिए फिलहाल आप सभी लोगों को बता दें कि इसको टीम का हो चुका है आठ रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार फिलहाल गेंदबाज जाते हुए अगली गेंद सामना कर रहे हैं फिलहाल इस पर की अगली गेंद का, देखते हैं क्या बड़ा शॉट लगा पाएंगे कि नहीं दोस्तों। अगली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया जाएगा कि नहीं। तीसरी गेंद अक्रमेन अपने ओवर की तीसरी गेंद को लेकर तैयार। ओहो ओहो क्या गेंद, क्या गेंद, बिल्कुल हिरनी की चाल की तरह लहराती हुई गेंद चली गई दोस्तों विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर के दस्तानों में लहराती हुई हिरनी जैसी चाल चली गई गेंद, बहुत ही शानदार। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से गेंदबाज जाते हुए इस ओवर की चौथी गेंद अक्रमेन की, इस बार अच्छी गेंद, लेकिन इस बार बल्लेबाज क्रिक कैरवाइन ने एक पैर को आगे की तरफ ले जाके गेंद की पिच में वहां पर गेंद को ड्राइव कर दिया, एक रन मिल जाएगा और उसी एक रन के साथ ही जिम्बाब्वे का स्कोर दोस्तों हो चुका है 10 रन फिलहाल बिना विकेट के नुकसान के बाद। टॉस जीतने के बाद आज पहले नीदरलैंड ने दोस्तों गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया उसमें फिलहाल क्षमा चाहूंगा, जिम्बाब्वे की टीम ने फिलहाल आज के मुकाबले के अंदर अच्छी गेंदबाजी करते हुए शानदार मुकाबला आगे लेकर गई है दोस्तों। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से गेंदबाज इस ओवर की अंतिम गेंद को लेकर तैयार हैं अक्रमेन की अगली गेंद क्रिक एयरबाइन के लिए। एयरबाइन ने आठ गेंदों में दोस्तों 6 रनों की पारी खेल चुके हैं, इसको टीम का हो चुका है बढ़ता हुआ 11 रन दोस्तों बिना विकेट के नुकसान के बाद। अच्छी शुरुआत अभी तक मिली है और देखते किस तरीके से मैच को आगे लेकर जाने वाले हैं। अगली गेंद उस पर की फिलहाल लेकर तैयार फिर से अक्रमेन जा रहे हैं राइट आर्म ओवर द विकेट क्रिक एयरबाइन के लिए, क्रिक एयरबाइन टीम के जो जिम्बाब्वे के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगली गेंद पर इस बार डिफेंस कर दिया है, रन लेने का कोई भी मौका नहीं और इसी के साथ ही हो गया है हमारे साथ द कंफ्यूजन, बोल रहे हैं हिरनी की चाल, बिल्कुल बिल्कुल वाह क्या कॉमेंट्री है कंफ्यूज मोहल्ला, बहुत बहुत धन्यवाद यार। मैं आपका नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आपका जो नाम है कंफ्यूज मोहल्ला ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में मुझे विस्तार से जरूर बताएं। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है और तीन ओवर की समाप्ति के बाद दोस्तों स्कोर जिम्बाब्वे का हो चुका है 11 रन। अक्षय पाल बोल रहे हैं लगता है हुकू, लगता है कू पूजा पाठ करने गया है, पूजा पाठ करने गया है, बिल्कुल भाई कोहू पूजा पाठ कर सकता है, चलिए देखते हैं पूजा पाठ आप भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही तीन ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन स्कोर हो गया टीम का बिना विकेट के नुकसान के बाद। हमारे साथ एक भाई बोल रहे हैं क्या लगता है वेस्टइंडीज आज का मैच जीत सकती है, बिल्कुल भाई जीत सकती है। राजू सैनी बोल रहे हेलो ब्रदर। पवन कुमार हमारे साथ जुड़ जाए बोल रहे ब्रो एक ही कमेंट बार बार करते हो तो स्पैम होता है, अरे भाई हाँ बिल्कुल होता है। चलिए इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार फिर से गेंदबाज आते हुए अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार है क्लासन की। अगली गेंद सामना कर रहे हैं बल्लेबाज मधुवेरे। 9 गेंदों में मधुवेरे ने 205 रनों की पारी खेली है, टीम का स्कोर है जिम्बाब्वे का 11 रन फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करें बिना विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद दूसरी गेंद को लेकर तैयार फिर से क्लासन तैयार हैं, सामना कर रहे हैं मधुवेरे, टीम का स्कोर हो चुका है 11 रन और बिना विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों फिलहाल बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज फिर से जाते हुए अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिल रही है फिलहाल क्लासन के द्वारा, जिन्होंने अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं और 4 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक। अगली गेंद इस ओवर की दूसरी गेंद को लेकर तैयार फिर से दौड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद ड्राइव किया लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में।
विपुल जी बोल रहे हैं कौन जीतेगा। विपुल जी मैं कोई भगवान नहीं हूं, विपुल जी मैं कोई भगवान नहीं हूं, जो अच्छा खेलेगा वो खेल जीतेगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा वो खेल हारेगा। जी हाँ विपुल जी, फिलहाल हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी का। और इसके साथ ही फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार फिर से गेंदबाज जाते हुए दोस्तों राम किशोर बोल रहे हैं योर साउंड इज वेरी गुड, थैंक यू वेरी वेरी मच, और भी सब हो तो मुझे बताओ यार किसी भी तरीके से। फिलहाल अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज जा रहे हैं दोस्तों इस ओवर की चौथी गेंद क्लासेन लेकर जाते हुए, सामना कर रहे हैं कप्तान इरवाइन 10 गेंदों में 6 रन बनाकर सन्यासी बाबा। फिलहाल क्रेग इरवाइन नजर आते हैं मुझे, थोड़ा सा सन्यासी बाबा की तरह देखते हैं। चलिए इसी के साथ इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार फिर से गेंदबाज जाते हुए दोस्तों मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, क्या 50-50 का होगा मुकाबला। अगली गेंद ओह इरवाइन ने दोस्तों लहराते हुए अपने पैरों को आगे ले जाकर गेंद को उठा दिया लॉग ऑन के बगल से 4 रनों के लिए। बिल्कुल दोस्तों ये मुर्गी जैसी चाल चलते हैं, फिलहाल इस बार चौका लगा दिया है दोस्तों और चौके के साथ ही फिलहाल गेंद चली गई गोली की रफ्तार से, गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर माउजर से निकलती हुई 4 रनों के लिए। फिलहाल स्कोर हो चुका है 16 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों थोड़ी सी मजाकी कॉमेंट्री हो रही है क्योंकि यार थोड़ा सा हम जल्दबाजी तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को मजा देते रहूं। फिलहाल अगली गेंद लेकर तैयार इस बार पांचवी गेंद, ये चिटपटी की तरह गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को खेला हल्के हाथों से और फील्डर मौजूद थे गली में, अरे भाई वो गली नहीं गली फील्डर मौजूद होता है जहां पर गेंद को फील कर लिया रन नहीं मिलेगा। हमारे साथ विपुल जी बोल रहे हैं जोरदार लाजवाब कमेंट्री, जान के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे धन्यवाद भाई धन्यवाद यार, अगर आप मेरे पास होते तो थोड़ा सा मैं यार आपको कुछ प्रसाद जरूर देता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सम्मान करता हूं। इसी के साथ ही अगली गेंद अंतिम गेंद लेकर तैयार क्लासेन जाते हुए, फिलहाल हमारे साथ लगातार सभी दोस्तों का स्वागत है। अगली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया है गेंद को और गेंद चली गई है इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के करीब, क्षमा चाहूंगा जी हाँ डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गई है, फील्डर पीछे है और एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया और तीसरा रन भी पूरा कर लिया, लेकिन अभी बाउंड्री को चेक किया जाएगा मेरे भाइयों मेरे मित्रों मेरे सौजन्यों दोस्तों। फिलहाल इसी के साथ ही अंतिम गेंद पर दोस्तों बाउंड्री चेक कर ली अंपायर ने, तीसरी आंख ने चेक किया है कि भैया 3 ही रन मिलेंगे चौका नहीं मिलेगा। ये स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है जिम्बाब्वे का 19 बिना विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर का खेल हो चुका है। पांचवें ओवर के बाद आपको पवन भाई भी आएंगे, पवन भाई भी मीठी आवाज से आपको मधुरता से आपको मधु मधुर आवाज से कॉमेंट्री को आगे लेकर जाने वाले हैं। फिलहाल इसी के साथ ही अब पांचवें ओवर की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है हमारे साथ कंफ्यूज मोहल्ला भाई, आप कंफ्यूज मोहल्ला का अर्थ बता दो, कंफ्यूज मोहल्ला क्या है थोड़ा सा मुझे जरूर बता दो क्योंकि मैं भी सोच रहा हूं कि कंफ्यूज मोहल्ला एक बार जरूर घूमूं अगर भारत में होगा, फिलहाल बाहर तो मैं वीजा नहीं बनवा पाऊंगा। इसी के साथ ही पांचवें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और पांचवें ओवर की शुरुआत में अब सामना कर रहे हैं मधुवेरे। फिलहाल इस बार क्रिक इरवाइन इरवाइन ने इस बार गेंद को तिरछे बल्ले को एकदम से इस बार पलट कर गेंद को खेला, एक रन के साथ गेंद पहुंची है इस बार दोस्तों एक्स्ट्रा कवर की तरफ जहां पर एक रन पूरा करेंगे। अगली गेंद इस ओवर की दोस्तों और दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आप जितने भी भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्कोर जिम्बाब्वे का हो चुका है 20 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद 4.2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अगली गेंद फिलहाल इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर तैयार अक्रमैन जाते हुए सामना कर रहे हैं मधुवेरे जिन्होंने 13 गेंदों में 6 रनों की पारी खेली है। भैया भाई कौन जीतेगा, नयन कमले जी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे जीत जाएगा, लेकिन भाई कुछ कह नहीं सकते, 272 गेंदों में 211 रन बनाना है, कुछ कह नहीं सकता हूं मैं भाई। देखिए क्रिकेट है ये, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं मेरे भाइयों मेरे मित्रों मेरे प्रेमियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद पांचवी गेंद लेकर तैयार सामना करते हुए इस बार इरवाइन ने एक और सिंगल चुराया, ओवर की अभी तक 5 गेंदों में दोस्तों 3 रन आ चुके हैं मेरे मित्रों ओ मेरे भाइयों। फिलहाल इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार हैं फिर से अक्रमैन मधुवीरे के लिए और मधुवीरे जिन्होंने फिलहाल हमारे साथ प्रिया जी जुड़ गए हैं, प्रिया जी स्वागत है आपका स्पोर्ट अपडेट बाय मोहन के साथ।
प्रिया जी, गेमिंग भाई, गेमिंग हमारे साथ जुड़ चुकी है। कौन जीतेगा जी? अरे अब जो जीतेगा वो तो आगे समझ में आ जाएगा, आप लोग बस हमारे चैनल पर जुड़े रहें। इसी के साथ ही 5 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन स्कोर हो चुका है भैया, और बिना विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों अब छठवें ओवर की शुरुआत दोस्तों होने जा रही है। थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अभी तक फिलहाल देखा जाए दोस्तों शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन आप दोस्तों को क्या लगता है, आप सभी लोगों को क्या लगता है आज के मुकाबले में कि कौन सी टीम जीतेगी, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके जितने लोगों ने जिस टीम को जाना कमेंट करे, हम उसी टीम को मानेंगे कि भैया यही टीम जीतेगी। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। और इसको टीम का अभी भी फिलहाल हो चुका है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे इस मुकाबले में, अगर हम बात करेंगे स्कोर टीम का हो गया दोस्तों 22 रन। फिलहाल 5 ओवर का खेल दोस्तों पूरा हो चुका है। आईपीएल कमेंट्री करना, अरे नयन कमले जी बिल्कुल करने वाले, आईपीएल में तो हम जरूर करेंगे, आईपीएल हो चाहे बीपीएल हो कमेंट्री तो जारी रहेगी। फिलहाल इसी के साथ ही अगली गेंद पर एक और सिंगल, और सिंगल के साथ ही स्कोर हो चुका है, मदवेरे पहुंच गए अब स्ट्राइक में, और एरबान खेल रहे हैं 16 गेंदों में 16 रन बना के। आईपीएल में भी करना बिल्कुल प्रिया गेमिंग जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ क्वीन भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुखदेव भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा गौतम, नयान कमले, सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अगली गेंद, इस ओवर की दूसरी गेंद, क्लासन जाते हुए ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद। इस बार फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर दोस्तों हो चुका है टीम का फिलहाल 11 रन। फिलहाल आप सभी लोगों की मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग हमसे बोल रहे हैं कि भाई आईपीएल की कमेंट्री करना, आईपीएल में तो आपको धमाका होने वाला है, आईपीएल में हम बिल्कुल धमाका करने वाले हैं। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार, भाई कहां खा लो, अच्छा खाना खा लो, मैंने समझा कहाँ खा लो। फिलहाल इसी के साथ ही खाना मैंने दोस्तों खा लिया है, लेकिन अब हमारे पवन भाई आ रहे हैं, थोड़ा मेरा गला जाने क्यों दिक्कत कर रहा है, उस तरीके की कमेंट्री मैं नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्या मेरी कमेंट्री आपको अच्छी लग रही है दोस्तों? फिलहाल जरूर बताना, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा गला बेकार हो गया है। ये पवन भाई बोल रहे हैं कि यार थोड़ा सा तेज करो तेज करो, तो थोड़ा दो दिन से थोड़ा दिक्कत हो गई है। रिजल्ट तो अच्छा रहा है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए इसी के साथ ही रमेश बोल रहे हैं, भाई हेलो भाई कैसे हो, चाय पी लो। चाय पी ली क्या? नहीं चाय नहीं पी भाई, चाय नहीं पी, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों मधुवेरे ने चौका जरूर लगा दिया है। इस ओवर की फिलहाल दोस्तों चौथी गेंद पर चौका लगा दिया है भैया, चौका लगा दिया है मधुवेरे ने, और बैसले मधुवेरे 18 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ कार एक्सप्रो जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई आपका। प्रिया जी स्वागत है, प्रिया जी, प्रिया गेमिंग जी थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और हमारे साथ थोड़ा सा मैं यार कहीं ना कहीं देखा जाए तो यार लेडीज को मैं थोड़ा सा ज्यादा सम्मान देता हूँ, थोड़ा इसी के साथ ही अगली गेम। फिलहाल हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेगा प्रीतम प्रसाद भाई, स्वागत है आपका। विपुल जी स्वागत है, आप सोचिए गला खराब होने पर भी इतनी अच्छी कमेंट्री कर रहे हो, सही होगा तो तूफान मचा देंगे, आप आईपीएल में जरूर कमेंट्री करिए। अरे भाई क्या बात है, आपके कमेंट को मैं सम्मान देता हूँ और हम बिल्कुल तबाही मचा देंगे, मेरा गला खराब है। फिलहाल हमारे साथ सुखदीप जी का मैंने पढ़ लिया था कमेंट, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। मधुवीरी की 50 बनाएंगे, नहीं यार लगता तो नहीं है 50 मारेगा, लेकिन भाई कह नहीं सकते, ये क्रिकेट है और क्रिकेट की दुनिया में हम आगे की सूचनाएं अगर बताते हैं तो गलत ही बताते हैं, मतलब कि हमें तो पता नहीं है, अगर हम जो बताएंगे तो गलत ही बताएंगे। फिलहाल अभी भी कोई ज्यादा सच्चाई नहीं है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन की टीम का फिलहाल दोस्तों, अब स्वागत है पवन भाई का, और पवन भाई से भी उम्मीद है कि मीठी मीठी आवाज में, अपनी मधुर आवाज में आप सभी का इसी तरीके से कमेंट्री करेंगे। यार थोड़ा सा मैं 2-3 ओवर रेस्ट लेने वाला हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन भाई। फिलहाल 27 रन हो चुका है स्कोर जिम्बाब्वे का बिना किसी नुकसान के। अच्छी बात है दोस्तों जिम्बाब्वे के लिए कि अभी तक विकेट नहीं गिरा है, और विकेट नहीं गिरेगा तो बहुत रोमांचक और शानदार तरीके से आज ये मुकाबला अपने नाम करने में सफल हो सकती है जिम्बाब्वे। करंट रन रेट 4.50 का और रिक्वायर्ड रन रेट 4.66 का नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट और रिक्वायर्ड लगभग बराबर के नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों आज का मुकाबला कौन सी जीत सकती है? बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन जितने भी दोस्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिए। क्लासेन 3 ओवर करा चुके हैं, 17 रन दे चुके हैं। विक्टों से बात करें तो दोस्तों विक्टों से अभी तक खाता नहीं खुल पाया। फिलहाल 7 ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों अकरम मान के पहली गेंद पर दोस्तों सिंगल के लिए गेंद को खेला, दूसरी गेंद लेकर जाते हुए अंपायर के बगल से राउंड द विकेट क्लासेन, और यहां पर दोस्तों मधुवेरे के खिलाफ जोरदार अपील हो रही है, उसमें साथ दे रहे हैं दोस्तों विकेट कीपर और सभी बल्लेबाज दोस्तों, सभी दोस्तों खिलाड़ी साथ दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों गेंद
बिल्कुल पैट पर दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि टच कर गई है कि नहीं। बैट और पैट साथ लेकर खेल रहे थे। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जरूर गई है, लॉन्ग लेंथ के लॉन्ग लेंथ बाउंड्री लाइन से बाहर जरूर गई है, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी से दोस्तों यहां पर शॉट लगाया काफी सराहनीय। चार रन आ चुके हैं, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर चार, अब तक इस ओवर में दो गेंदों पर पांच रन आ चुके हैं। 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला 6.2 ओवर की समाप्ति पर। बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन। अच्छा, धीरे करने के लिए कह रहे हैं, धीरे चलिए, आपकी बात सराखों पे है, हम यहाँ पर धीरे ही कमेंट्री करने वाले हैं। फिलहाल तीसरी गेंद, अक्रम मान लेकर जाते हुए राउंड द विकेट जा रहे हैं, ऑफ साइड ऑफ स्टंप की गेंद खींच के मारा है दोस्तों, गेंद जा रहे हैं डीप पॉइंट की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, दोनों बल्लेबाज भाग कर एक और रन पूरा करने में सफल रहे। अब तक इस ओवर में 6 रन आ चुका है 3 गेंदों पर, यानी कि दोस्तों 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी का नजारा अब तक इस ओवर में देखने को मिला। 6.3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 33 बिना किसी नुकसान के। दोस्तों अगली गेंद, चौथी गेंद, अक्रम मान लेकर जाते हुए जो कि 203.3 ओवर में अभी तक लुटा चुके हैं 16 रन। फिलहाल चौथी गेंद मारने का प्रयास जरूर था, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा कनेक्शन बैठा नहीं दोस्तों इस ओवर की चौथी गेंद पर, कोई भी रन नहीं। फिलहाल पांचवी गेंद, अक्रम मान लेकर जाते हुए राउंड द विकेट जाते हुए सामने बल्लेबाज तैयार, क्रिक अग्वाइन जो कि 219 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर दोस्तों एक और सिंगल आएगा? जी नहीं दोस्तों, इस ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर सिंगल नहीं आया, कोई भी रन नहीं आया। बैक टू बैक दो लगातार के दो पे कोई भी रन नहीं इस ओवर में देखने को मिला। अंतिम गेंद पर दोस्तों डीप मिड विकेट के बीच में दोस्तों खेलना चाहते थे वहां पर दोस्तों, लेकिन उससे पहले मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन नहीं मिलेगा। वेस्ट इंडीज विन द मैच टूटे लिख कर ले ले झाड़ू जो भी साउथ अफ्रीका जीत रहा। अरे यार, आप इतने कमेंट कर रहे हैं, इतने कमेंट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार स्पैम हो जाएगा भाई। अगर कमेंट करना है तो कमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दे, अन्यथा स्पैम हो जाएगा दोस्त। फिलहाल 258 गेंदों पर जीत के लिए 199 रनों की जरूरत, लगभग अभी भी दोस्तों 200 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को अगर जिम्बाब्वे आज अपने नाम करना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन की है जिम्बाब्वे की टीम, काफी सराहनीय और लाजवाब नजर आता हुआ दिखाई दे रहा। शुरुआत होने जा रही यहां से, एक और नए ओवर की शुरुआत होने जा रही दोस्तों 8वें ओवर की, और सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं अक्रम मान जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोस्तों अभी तक 16 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं 22 गेंदों में। कहीं ना कहीं दोस्तों इनके द्वारा या फिर दोस्तों क्रिक इरवाइन जो कि दोनों ही ओपनिंग करने आए थे और अभी तक दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बैटिंग करते हुए एक दूसरे के सामने सामने बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों गेंदबाजों पर हावी होते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है। बात करें तो दोस्तों वी मेकरन गेंदबाजी लेकर आ चुके हैं, पॉल वी मेकरन पहली गेंद लेग स्टंप छोड़ते विकेट कीपर के दस्तानों में दस्तक दी, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल के साथ दोस्तों शुरुआत की है वैन मिकरन ने वाइड बॉल के साथ। 34th हो चुका है स्कोर जिम्बाब्वे का बिना किसी नुकसान के 7 ओवर की समाप्ति पर। बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन जितने भी दोस्त